Yeah, good afternoon, friends. Last time we were talking about the different calendars that we use in our Indian system, और मैंने बताया था कि दो तरह के कैलेंडर हम यूज करते हैं. वन इज द सोलर कैलेंडर एंड अनदर इज द लूनर कैलेंडर. सोलर कैलेंडर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिस इज सिंपल बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन. जैसे ही सन मेष राशि में एंटर करता है या 0 डिग्री ऑफ द जोडियक पर एंटर करता है तो नए साल की शुरुआत हो जाती है. और क्योंकि 12 ही साइन हैं और साल में 12 ही महीने होते हैं तो जैसे जैसे सन नए नए साइन में एंटर करता है नए महीने की शुरुआत हो जाती है. और जिस दिन जो सन नए साइन में एंटर करता है या जिस मूवमेंट पर सन नए साइन में एंटर करता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए संक्रांति. तो उस दिन को हम संक्रांति कहते हैं और साल में जो है 12 संक्रांति होती हैं. उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड जोडियक सिस्टम जिसमें कि हम 0 डिग्री ऑफ द जोडियक को फिक्स पॉइंट मानते हैं, दैट कैलेंडर इज नोन एज विक्रमी कैलेंडर. और उस कैलेंडर में जिसमें कि जो 0 डिग्री ऑफ द जोडियक इज नॉट ए फिक्स पॉइंट, इज मूविंग बैकवर्ड एट द रेट ऑफ 56 मिनट पर ईयर, दैट इज नोन एज साका कैलेंडर. तो ये विक्रमी और साका कैलेंडर का डिफरेंस यही है कि वन इज बेस्ड ऑन द इंडियन सिस्टम एंड वन इज बेस्ड ऑन द वेस्टर्न सिस्टम. और आज की डेट में दोनों में डिफरेंस करीब 23 दिन का है. तो जैसे विक्रमी ईयर करीब 15 अप्रैल को शुरू होता है तो साका ईयर स्टार्ट्स एट 23rd of March. एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑल्सो. लेकिन अनिल जी, क्या ये हमें सारे डिफरेंट कैलेंडर्स याद रखने या समझने जरूरी है या? ये बहुत जरूरी है क्योंकि पहली चीज तो ये है कि ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा. जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, यू विल नॉट फाइंड एनी ऑफ द बुक. और सेकेंडली, इसका जो इस्तेमाल होगा वो डे टू डे लाइफ में होगा. जब तक आप हैं तो डेली लोग आपसे पूछेंगे और आप एक बार समझ लेंगे तो अच्छी तरह बता भी सकते हैं, बट दिस विल नॉट बी अवेलेबल इन एनी ऑफ द बुक आल्सो. तो इसलिए बहुत अच्छी तरह इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये लूनर कैलेंडर पर्टिकुलरली क्या होता है. तो ये हम लोगों ने 12 महीनों के बारे में डिस्कस किया था कि 12 महीनों के नाम हैं ये वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और मगर, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र. और ये भी मैंने बताया था कि ये जो महीनों के नाम हैं दे आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ नक्षत्रास. और हमने 27 नक्षत्र होते हैं टोटल. हमने 12 नक्षत्रों को चुना है. वी हैव लेफ्ट 15 नक्षत्र. सो देयर हैज टू बी सम रीजन फॉर दिस बिकॉज दिस कैलेंडर इज सो साइंटिफिक, सो मीनिंगफुल एंड आई डोंट नो हु हैज मेड इट एक्चुअली. जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं किसने बनाया होगा, कितना साइंटिफिक कैलेंडर कैसे बन सकता है. तो ये जो महीनों के नाम है दे आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द नक्षत्र. वी विल डिस्कस की व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट. और उससे पहले जो सोलर कैलेंडर इज ओके, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. सिंपल है, सिर्फ सन का मूवमेंट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसके अंदर. वी हैव टू नाउ कंसंट्रेट ऑन द लूनर कैलेंडर जो कि हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में. जितने भी हमारे फेस्टिवल होते हैं दे आर बेस्ड ऑन लूनर कैलेंडर ओनली. तो इसलिए लूनर कैलेंडर को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा. जैसे कि सोलर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन, कि जैसे जैसे सन नए साइन में एंटर करता है तो हम नए महीने की हमारी शुरुआत हो जाती है. लूनर कैलेंडर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. नाम इसका लूनर कैलेंडर है तो लगता है कि जैसे कि मून के मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है, बट इन फैक्ट दिस इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ सन एंड द मून. सन और मून का जो आपस में मूवमेंट होता है उसके ऊपर बेस्ड है. दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ वन प्लैनेट. This is based on the movement of two planet, sun and the moon, and that too the relative movement between the two planet, sun और moon के बीच में जो relative movement होता है उसके ऊपर based है. अब देखिए कैसे होता है. I will just explain to you कि जैसे मान लीजिए कि sun और moon एक particular position में है तो महीने की शुरुआत होगी और जब दोबारा से वो उसी पोजीशन में आएंगे तो दैट विल बी द एंड ऑफ द मंथ. सन और मून एक लेट अस से दे आर एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, तो नए महीने की शुरुआत हो गई और जब दोबारा से उसी पोजीशन में आएंगे तो दैट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ वन ल्यूनर मंथ। अब देखिए, मान लीजिए कि लेट अस प्रिज्यूम कि ये 0 डिग्री ऑफ द जोडियक है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जोडियक। यहाँ पर एट ए पर्टिकुलर टाइम लेट अस से सन एंड मून दे आर प्लेस्ड टुगेदर, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल इकट्ठा है सन एंड द मून। तो बोथ are moving in the zodiac, there is continuous movement of both the planet, so both the planets are moving। अब मैंने कहा था कि आपको बताया था कि किस एवरेज स्पीड से प्लैनेट मूव करते हैं जोडियक में। कहा था मैंने कि जो सन मूव करता है that moves 1 डिग्री पर डे, 1 डिग्री एक दिन में मूव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 डिग्री जो मूव करे, मतलब 1 डिग्री एक दिन में, तो एक महीने में 30 डिग्री मूव करेगा। और मून का जो मूवमेंट था दैट वाज 13 टू 15 डिग्री पर डे, 13 से 15 डिग्री एक दिन में मूव करता है। इसका मतलब एक साइन को मूव करने में उसको 2.25 दिन का समय लगता है। नाउ लेट अस से बोथ आर टुगेदर, एक पर्टिकुलर पोजीशन में है एंड वी आर प्रिज्यूमिंग दैट बोथ द प्लैनेट्स आर एट द 0 डिग्री ऑफ द जोडियक। Now both start moving, दोनों मूव करते हैं। सन इज मूविंग एट द रेट ऑफ 1 डिग्री पर डे और मून मूव कर रहा है 13 टू 15 डिग्री पर डे। तो मून को पूरा मूवमेंट करने में, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में, ये जो 360 डिग्री उसी 0 डिग्री पर वापस आने में इट टेक्स अबाउट 27 डेज, क्योंकि एक दिन में एक नक्षत्र को क्रॉस करता है तो करीब 27 डेज में इट कम्स बैक टू द सेम पोजिशन। Or we can say that it takes the complete one round of the zodiac, and exact time is 27.32 days. 27.32 days में मून जो है पूरा जोडियक का चक्कर लगाकर वापस आ गया, यहाँ पर आ गया। Now what happened to the sun? Sun is also moving. Sun is not fixed. तो सन भी मूव कर रहा था। तो 27 दिन में सन ने कितना मूव किया? 1 डिग्री पर डे, मतलब 27 डिग्री सन यहाँ पर आ गया, मान लीजिए थोड़ा सा आगे आ गया 27 डिग्री मूव करके। तो क्या होगा, दोबारा से उसी पोजीशन में आने के लिए सन और मून को फर्दर ट्रेवल करना पड़ेगा, मून को जो है फर्दर मूव करना पड़ेगा, सो दैट इट विल कैच द सन एंड अगेन दे विल बी इन द सेम पोजीशन। इस तरह से दोबारा से वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। और इस पूरे ड्यूरेशन को देखिए, 27.32 डेज में तो मून वापस आया उसी पोजीशन में 360 डिग्री मूव करके, और जब तक ये वापस आया बाय द टाइम मून हैज मूव्ड बाय 27 डिग्री, सन हैज मूव्ड बाय 27 डिग्री, क्योंकि सन जो है 1 डिग्री पर डे मूव कर रहा है। तो सन को कैच करने के लिए, या हम कहेंगे कि सन और मून को दोबारा उसी पोजीशन में होने के लिए मून को फर्दर करीब 2 दिन का टाइम लगता है। तो जो 2 दिन के बाद इट अगेन कैचेस द सन, इट मीन्स अगेन जो सन एंड मून है दे आर इन द सेम पोजीशन। जहां से स्टार्ट किया था सन मून इकट्ठा जब थे, दोनों ने मूव करना शुरू किया, मून पूरा मूव करके यहाँ पर वापस आ गया 27.32 डेज में, सन ने बाय द टाइम 27 डिग्री आगे चला गया। तो मून को सन को पकड़ने के लिए इट टेक्स अनदर 2 डेज, सो द टोटल टाइम टू बी इन द सेम पोजीशन is 29.5306 days। जो टोटल टाइम लगता है कि दोबारा से उसी पोजीशन में आने के लिए that is 29.5306 days। तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ ल्यूनर मंथ है दिस इज 29.5306 days। नाउ यू अंडरस्टैंड कि सोलर जो मंथ था तो हमने कहा था कभी 30 दिन का होता है, कभी 31 दिन का होता है, सो इट एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द इंग्लिश ईयर एक्चुअली। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जो सोलर ईयर था दैट वाज आल्सो 365 प्लस डेज एंड इंग्लिश ईयर इज आल्सो 365 प्लस डेज। अब प्रॉब्लम क्या है कि लूनर मंथ जो है वो ना तो 30 दिन का है ना 31 दिन का है, इट्स फिक्स ड्यूरेशन इज 29.5306 डेज, या कह सकते हैं कि 29.5 दिन का समय जो है वो दोबारा से सन मून को उसी पोजीशन में आने में लगता है। तो ल्यूनर मंथ का ड्यूरेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नाइदर 30 नॉट 31, इट इज एग्जैक्टली एंड इट विल रिमेन द सेम एवरी टाइम, दैट इज मोटा मोटा आप कहेंगे तो 29.5 दिन का समय लगता है। तो ल्यूनर मंथ का जो ड्यूरेशन है वो 29.5 दिन का है, ना कि 30 या 31 दिन का। और ये फिक्स ड्यूरेशन है कि सन मून एक पर्टिकुलर पोजीशन में थे और जब दोबारा से उसी पोजीशन में आएंगे तो ये 29.5 दिन का समय लगता है और इसको हम कहते हैं 1 कंप्लीट ल्यूनर मंथ। तो जो बेस्ड है ये ल्यूनर मंथ, दिस इज बेस्ड ऑन द relative movement of the sun and moon. When sun and moon are in a particular position and when they again come back to the same position, that is the duration of the lunar month. और ये total time इस process में, जैसे मैंने बताया आपके कि दोनों move करते हैं, moon is moving at the rate of 13 to 15 degree per day, sun is moving at the rate of 1 degree per day. तो एक position में दोनों ने start किया और वापस जब वही position आती है तो ये जो टोटल टाइम है जिसको कि हम एक ल्यूनर मंथ बोलते हैं, दैट इज 29.5 दिन का समय है। अब जो जैसे मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं और जब दोबारा से वही पर्टिकुलर पोजीशन आएगी, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ल्यूनर मंथ। नाउ क्वेश्चन इज कि फ्रॉम विच पोजीशन वी स्टार्ट। तो उसका एक सिंपल कंसेप्ट है। आपने जो पूर्णमासी या अमावस्या का नाम सुना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज फ्रॉम द पूर्णिमा या फुल मून का जो पीरियड होता है। ये जो फुल मून है ये महीने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जब दोबारा से फुल मून आएगा दैट इज द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द 1 ल्यूनर मंथ। कि पूर्णिमा के दिन जो ल्यूनर मंथ की शुरुआत होती है, अभी आपने देखा था कि 2-3 दिन पहले कि श्रावण का महीना शुरू हुआ क्योंकि पूर्णिमा थी उस दिन, तो पूर्णिमा से जो है वो नया महीना शुरू होता है। तो पूर्णिमा के दिन एक महीना शुरू हुआ और जब दोबारा वापस पूर्णिमा आएगी दैट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ 1 ल्यूनर मंथ। अब क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्णिमा। पूर्णिमा मीन्स कि व्हेन सन एंड मून दे आर अपोजिट टू ईच अदर। पूर्णिमा का मतलब होता है कि जब सन और मून के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 180 डिग्री का जो डिफरेंस होता है, दैट डे इज नोन एज पूर्णिमा। तो पूर्णिमा से शुरुआत हुई हमारी, जब सन और मून का जो आपस का डिस्टेंस था दैट वाज 180 डिग्री और दोबारा से ये जो डिफरेंस 180 डिग्री होगा तो दैट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ 1 ल्यूनर मंथ। नाउ व्हाट हैपेंस इन बिटवीन, कि ये जो डिफरेंस था 180 डिग्री है, ये मैक्सिमम डिफरेंस है बिकॉज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। नाउ डिस्टेंस कम होना शुरू हुआ, धीरे धीरे 180 से 160 40 शुरू हुआ और यहाँ पर आकर डिस्टेंस 0 हो गया और उस टाइम को हम बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या मींस कि व्हेन सन एंड मून दे आर टुगेदर इन द ज़ोडिएक, दे आर इन द सेम पोजीशन, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लैनेट इज 0 डिग्री। जब ये बिल्कुल एक साथ आ जाते हैं, पूर्णिमा के दिन देखा आपने कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस जो है वो 180 डिग्री है और ये डिफरेंस धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ और ये डिफरेंस आकर 0 हो गया। अमावस्या के दिन जब हम मून का सबसे छोटा पार्ट, मून को सबसे छोटे रूप में देखते हैं, दैट डे इज नोन एज अमावस्या और द न्यू मून डे। उस दिन सन और मून का आपस का डिस्टेंस 0 डिग्री होता है। फिर क्या हुआ कि ये बढ़ना शुरू हुआ, डिस्टेंस यहाँ 0 डिग्री हो गया, फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर धीरे धीरे 0 से लेके फिर ये हम 180 डिग्री पर पहुंच जाते हैं जो कि नेक्स्ट पूर्णिमा का दिन है। तो ये जो 2 पूर्णिमा के बीच का जो टाइम है कि एक पूर्णिमा की शुरुआत हुई और जब तक दूसरी पूर्णिमा आएगी तब तक वो एक ड्यूरेशन होगा एक ल्यूनर मंथ का। और पूर्णिमा के दिन आप समझ लीजिए कि पूर्णिमा के दिन सन एंड मून दे आर अपोजिट टू ईच अदर इन द ज़ोडिएक। जब आप चार्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि सन और मून बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे से 7th हाउस में हैं और उनका डिस्टेंस एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। फिर ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और अमावस्या के दिन दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम न्यू मून डे भी बोलते हैं, अमावस्या भी बोलते हैं और सन मून का डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और जब दोबारा से 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है या दूसरे एक दोबारा से जब एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं तो दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द 1 कंप्लीट ल्यूनर मंथ। और जैसे मैंने कहा कि ये ड्यूरेशन एग्जैक्टली 29.5 दिन का है या टू बी एग्जैक्ट 29.5306 डेज। तो ये है हमारा एक महीना, एक ल्यूनर मंथ, एक पूर्णिमा से लेकर दूसरी पूर्णिमा तक। अब हमने क्या किया, इसको कि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, जिसको हम फोर्टनाइट कहते हैं या पक्ष बोलते हैं हिंदी में। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। कैसे किया कि एक पार्ट हुआ पूर्णिमा से अमावस्या तक का, जब सन मून का डिस्टेंस 180 डिग्री था, धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, और जब अमावस्या के दिन ये डिस्टेंस 0 डिग्री हो गया, तो ये दिस इज वन पार्ट। देन सेकंड पार्ट इज फ्रॉम अमावस्या टू पूर्णिमा। तो इसको हमने दो पक्ष कहा, दो फोर्टनाइट कहा, कि हमने अपने लूनर मंथ को दो फोर्टनाइट में डिवाइड कर दिया। और जो पहला पक्ष है, पहला जो फोर्टनाइट है, बिकॉज द मून इज गेटिंग डार्कर, तो इसलिए हमने उसको कृष्ण पक्ष कहा। कृष्ण मीन्स की डार्क, तो मून इज गेटिंग डार्कर। और यहाँ पर अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में क्या हो रहा है कि मून इज गेटिंग ब्राइटर, तो इसीलिए हमने इसको शुक्ल पक्ष कहा। शुक्ल मीन्स की वाइट और द गेटिंग ब्राइटर, तो इसको हमने शुक्ल पक्ष कहा। तो हमने अपने लूनर मंथ को वी डिवाइडेड इनटू टू फोर्टनाइट, या दो पक्ष में डिवाइड किया। जो पहला पक्ष होता है लूनर मंथ का, दैट इज कृष्ण पक्ष, और जो दूसरा पक्ष होता है उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। और जब बात हो रही थी कि मून बेनिफिक प्लैनेट है या मेलिफिक प्लैनेट है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब मून का साइज आधा या आधे से ज्यादा होता है, तो हम चंद्रमा को शुभ मानते हैं, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट मानते हैं। और जब चंद्रमा का साइज आधे से कम होता है, देन मून इज सपोज टू बी ए नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट, नेचुरल अशुभ प्लैनेट उसको माना जाता है। और ये हमने कहा था कि जो चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज्यादा होता है, यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पर देखिए आधा हुआ साइज, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में जो आधा अष्टमी के दिन आया, तो ये आधा साइज हुआ, फिर ये पूरा हो गया, फिर जो नेक्स्ट कृष्ण पक्ष आएगा उसकी अष्टमी तक आधा साइज रहेगा। तो हमने कहा था कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा को हम शुभ मानते हैं, और बाकी टाइम में चंद्रमा को हम अशुभ मानते हैं। तो ये तो दो पक्ष हो गए कि हमने पक्ष को या लूनर मंथ को दो पार्ट में डिवाइड किया। नाउ क्वेश्चन इसकी हमारी डेट्स होती हैं, जैसे इंग्लिश ईयर में डेट है कि मिडनाइट टू मिडनाइट एक डेट हो गई। हमने अपने महीने को 30 या 31 दिन में डिवाइड करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन इज कि हाउ टू डिवाइड दिस पक्षाज और द कैलेंडर और द लूनर मंथ इनटू 30 पार्ट्स। दैट इज द मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, क्योंकि ये बेस्ड है ऑन द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून, रदर रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून। तो इसको हम कैसे डिवाइड करें, वो तो डिवाइड करने का तरीका निकाला गया कि क्योंकि ये आपस में रिलेटिव मूवमेंट है, और पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो आपस में मूवमेंट होता है दैट इज 180 डिग्री, और अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में जो दोनों में डिफरेंस आता है दैट इज अगेन 180 डिग्री। तो हमने इस 180 डिग्री को 15-15 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 180 डिग्री को 15-15 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये जो कृष्ण पक्ष की 180 डिग्री है इसको हमने 15 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो शुक्ल पक्ष की का जो पीरियड है उसको भी हमने 15 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो डिवाइड कैसे किया कि जो मूवमेंट है 180 डिग्री उसको हमने 15 से डिवाइड किया। तो जब 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, इट कम्स टू 12 डिग्री, इट कम्स टू 12 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही सन और मून के बीच का डिस्टेंस 12 डिग्री से वेरी करेगा, जैसे जैसे 12-12 डिग्री का अंतर आएगा, वैसे वैसे एक डेट पूरी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर सन और मून का डिस्टेंस कितना है 180 डिग्री, तो 12 डिग्री कब होगा, 168 हो गया। तो जैसे ही 168 हुआ हमारी फर्स्ट तिथि खत्म हो गई। फिर हम आगे चले तो 168 से 12 डिग्री कम किया, 156 हुआ, तो दूसरी तिथि खत्म हो गई। फिर 156 से 12 डिग्री कम हुआ, 144 डिग्री हो गया, तो तीसरी तिथि खत्म हो गई। तो इस तरह से हमने कृष्ण पक्ष को भी और शुक्ल पक्ष को भी 15-15 डेट्स में डिवाइड कर दिया, और डेट्स को हम यहाँ पर तिथि बोलते हैं हिंदी सिस्टम के अंदर, कि हर पक्ष में 15 तिथि होती हैं, जो आप जानते भी हैं कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह की हम यहाँ पर अमावस्या तक जाते हैं। फिर अमावस्या से फिर तिथियां वही शुरू हो जाती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया वगैरह, एंड अगेन वी गो अप टू पूर्णिमा। तो हमने कृष्ण पक्ष को और शुक्ल पक्ष दोनों को 15-15 तिथियों में डिवाइड किया, और तिथियों में डिवाइड करने का कंसेप्ट यही है कि जैसे जैसे सन और मून के बीच का डिस्टेंस 12 डिग्री से या 12 डिग्री से वेरी करेगा, हमारी एक तिथि पूरी हो जाएगी। ये तिथि का डिवाइड करने का तरीका है। नाउ इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमने तो कह दिया कि 12 डिग्री का जैसे ही वेरिएशन होगा एक तिथि खत्म हो जाएगी, बट क्वेश्चन इज कि 12 डिग्री का वेरिएशन कब होगा? दैट नोबडी नोज, इट मे हैपन एट एनी टाइम ड्यूरिंग डे और द नाइट। ये जो 12 डिग्री का वेरिएशन है ये तो कभी भी खत्म होगा, दिन में भी 2 बजे भी हो सकता है, रात को 2 बजे भी हो सकता है, या सुबह भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून, सन मून एंड द अर्थ एक्चुअली। तो उसके मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, कभी ये डिफरेंस जल्दी हो जाएगा, कभी खत्म हो जाएगा, और इसका कोई फिक्स टाइम तो है नहीं। जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो इंग्लिश ईयर है हम रात को 12 बजे शुरू कर देते हैं, हिंदी ईयर है सनराइज के टाइम शुरू कर देते हैं, बट यहाँ तो तिथि तो कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी शुरू हो सकती है। तो हम क्या करें उसके लिए? तो हर आदमी तो पंचांग लेके नहीं घूम सकता मार्केट में कि एक लेमन पंचांग लेके घूम रहा है जल्दी से देखने के लिए कि आज कौन से समय ये तिथि शुरू हो रही है, कौन से समय ये खत्म हो रही है। तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा और आप कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया कि ये तो तिथियों के चक्कर में पड़ गए। और तिथि का हर दिन का अलग अलग टाइम है जो कि पंचांग के अंदर आप देखेंगे लिखा रहता है, सबसे स्टार्टिंग उसी से करते हैं हम, तिथि से, कि कौन सी तिथि है और वो तिथि कब से कब तक है, किस पीरियड में, किस टाइम में एग्जैक्टली खत्म हो रही है। तो ये तिथि जो है किसी भी टाइम दिन या रात में शुरू हो सकती है और खत्म हो सकती है। तो हम क्या करें, व्हाट लेमन शुड डू? तो उसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि हमारा जो दिन है, स्टार्ट ऑफ द डे है, दैट इज फ्रॉम द सनराइज टाइम। तो उन्होंने कहा कि तिथि कभी भी शुरू हो, कभी भी खत्म हो, लेकिन जो सनराइज के टाइम तिथि होगी, जो तिथि सनराइज के टाइम एग्जिस्ट करेगी, उस तिथि को हम उस दिन की तिथि मानेंगे। दैट तिथि विल बी इंडिकेटेड इन द पंचांग और द हिंदू कैलेंडर। तो इसलिए आप देखते हैं कि हर पंचांग में या जो भी कैलेंडर होता है हिंदू कैलेंडर, उसमें एक तिथि लिखी होती है कि आज ये तिथि है, बट nobody knows कि वो कब खत्म हो रही है। आज मान लीजिए कि सनराइज लेट्स से इट स्टार्ट्स एट 7 o'clock और हो सकता है कि वो तिथि 7:05 पर या 7:01 पर खत्म हो गई हो, लेकिन हमने जो कैलेंडर देखा तो हमें कहा कि ये तो आज ये तिथि है, बट फैक्ट इज कि दैट तिथि इज ऑलरेडी ओवर बाय द टाइम यू स्टार्ट वर्किंग एक्चुअली। तो ये बहुत एक कंफ्यूजन वाली चीज हो गई। और ये आप देखते भी हैं हर साल कि हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं, जो हिंदू फेस्टिवल हैं, इवन द मुस्लिम फेस्टिवल्स, दे आर बेस्ड ऑन द लूनर कैलेंडर। और ये हमेशा एक कंफ्यूजन होता है हर साल में कि दिवाली आज है या कल है, होली आज है या कल है, या रक्षाबंधन आज है या कल है। और ये हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है और लोग समझ नहीं पाते कि ये हिंदू कैलेंडर क्या है। लेकिन हिंदू कैलेंडर की वजह से नहीं है, दिस इज ओनली बिकॉज कि हमने एक सिस्टम बनाया विच हैड टू बी फॉर ए लेमैन कि जो भी सनराइज के टाइम तिथि होगी उसको हम उस दिन की तिथि मानेंगे। मान लीजिए मुझे दीपावली मनानी है, और दीपावली हम कहते हैं कि कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है, राइट? तो दीपावली की पूजा हम करते हैं शाम को, और अमावस्या मान लीजिए कि कैलेंडर में आज दिखाई हुई है कैलेंडर में, क्योंकि एक लेमैन तो कैलेंडर देखेगा, कैलेंडर में तो आज अमावस्या लिखी हुई है तो मैं तो आज मनाऊंगा, उससे क्या मतलब कि कब खत्म हो रही है, कब शुरू हो रही है। ही इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो वो तो कहेगा कैलेंडर में आज लिखा हुआ है तो मैं तो आज मनाऊंगा। लेकिन जो जानने वाले हैं, जैसे आप लोग अब जान जाएंगे, कि हमें ये देखना है कि जिस टाइम हम काम कर रहे हैं, जिस टाइम हम पूजा कर रहे हैं, या जिस टाइम हम उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस टाइम कौन सी तिथि है। हो सकता है कि कैलेंडर में आज अमावस्या दिखाई हो और वो दिन में खत्म हो गई हो, या सनराइज के इमीडिएटली बाद खत्म हो गई हो, और जो शाम को जो तिथि पड़ रही है वो अमावस्या नहीं है, वो नेक्स्ट तिथि आ गई एक्चुअली। तो नेचुरली वो दिवाली मनाने का उस टाइम कोई रीजन नहीं है, दिवाली शुड हैव बीन सेलिब्रेटेड वन डे अर्लियर। तो हम लोग यही करते हैं, जो जानते हैं या जो एस्ट्रोलॉजर हैं या जो पंडित हैं वो बता देते हैं कि अमावस्या इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में है, तो यू सेलिब्रेट द फेस्टिवल अकॉर्डिंगली। लेकिन एक लेमैन को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो कैलेंडर देखता है, वो तो कैलेंडर जानता है कि कैलेंडर में आज ये डेट लिखी हुई है तो मैं तो उसी के हिसाब से चलूंगा। तो ये जो कंफ्यूजन सिर्फ इसी वजह से होता है कि जो तिथि का जो ड्यूरेशन है दैट इज नॉट फिक्स्ड। और क्योंकि ये आपस में सन और मून के रिलेटिव मोमेंट के बारे में है कि जैसे ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 डिग्री होता है तो वो तिथि खत्म हो जाती है। तो आप देखेंगे कि पंचांग में जो सबसे पहला कॉलम तिथि का ही होता है और उसमें लिखा होता है कि तिथि कौन सी है और उसका समाप्ति काल क्या है, किस टाइम समाप्त हो रही है। तो आप पंचांग से देखकर कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं कि उस टाइम जो रिक्वायर्ड तिथि है या नहीं है, दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द पंचांग। But this confusion is only because of the layman, because in the calendar we show the tithi which existed at the time of sunrise on that day, जबकि हो सकता है कि वो sunrise के immediately बाद खत्म हो गई हो। तो तिथि सारी हैं, जब आपको नॉलेज हो जाती है तो तिथि सारी आएंगी और तिथि के ड्यूरेशन को देखकर, पंचांग से देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें मुहूर्त है या कोई फेस्टिवल है, हमें किस टाइम मनाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने तिथि वृद्धि और तिथि क्षय का कंसेप्ट सुना होगा कि आज तिथि वृद्धि है, आज तिथि क्षय है। तिथि वृद्धि मीन्स कि एक तिथि दो दिन पड़ रही है और एक बार हम सुनते हैं कि वो तिथि क्षय हो गई, वो तिथि आई नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तिथि तो आएंगी आएंगी, क्योंकि जब जैसे जैसे 12 डिग्री का डिफरेंस होगा तिथि तो आएगी। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि तिथि बढ़ जाए या क्षय हो जाए। तिथि ना इधर बढ़ेगी ना ही कम होगी एक्चुअली में। तो वो कैसे होता है, वो प्रिंसिपल किस तरह से एप्लीकेबल है? एज आई टोल्ड यू कि हमें पंचांग में दिखाना पड़ता है कि कौन सी तिथि है, तो ये उसके कारण है। तो वी कैन टेक सम एग्जाम्पल्स। ये हमारी तिथि स्टार्ट होती है सनराइज के टाइम। सनराइज से सनसेट को हम दिन कहते हैं और सनसेट से सनराइज को रात कहते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है हमारा डे का, दिस इज फ्रॉम सनराइज टू सनराइज, ये हमारा एक ड्यूरेशन ऑफ द डे है। और फिर ये नेक्स्ट डे है सनराइज टू सनराइज। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर तिथि का चल रही थी और लेट अस प्रिज्यूम की सातवीं तिथि या सप्तमी तिथि जो है वो ऑपरेट हो रही थी एक दिन पहले और वो सनराइज के जस्ट बाद खत्म हुई है। Now just to see कि वो तिथि चल रही थी पहले, ए पर्टिकुलर तिथि, एंड तिथि एंडेड जस्ट आफ्टर द सनराइज और वो तिथि का ड्यूरेशन कम था तो वो नेक्स्ट सनराइज से जस्ट पहले खत्म हो गई। मतलब ये तिथि जो स्टार्ट हुई वो सनराइज से जस्ट बाद शुरू हुई और वो जो तिथि का ड्यूरेशन कम था तो नेक्स्ट सनराइज से जस्ट पहले जो है वो खत्म हो गई। Now what will happen on these two dates? अगर हम पंचांग को देखेंगे या कैलेंडर को देखेंगे तो इस पर्टिकुलर दिन में जब सनराइज हुआ तो तिथि हम कहेंगे सातवीं तिथि चल रही है, सेवेंथ तिथि है आज। और जब नेक्स्ट सनराइज आया तो सेवेंथ तिथि इज ऑलरेडी ओवर बिफोर द सनराइज, सो व्हाट वी विल से कि आज नाइन्थ तिथि है, तो आठवीं तिथि कहाँ गई? आठवीं तिथि हम दिखाते हैं तिथि क्षय या तिथि खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, तिथि came and it came for the full duration, but only because it didn't appear at the time of sunrise. तो एक कंसेप्ट शुरू हुआ एक लेमैन के लिए कि इस बार आठवीं तिथि आई नहीं, वो गलत है। आठवीं तिथि तो आई, but only because our problem, because our principle is कि the तिथि will be that तिथि which exists at the time of sunrise. तो sunrise के time तो दोनों दिन आठवीं तिथि एग्जिस्ट करी नहीं, ना ही इस दिन आठवीं तिथि एग्जिस्ट करी, ना ही इस दिन करी। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट आया कि तिथि क्षय हो गई या तिथि खत्म हो गई। बट नाउ यू नो, सो दैट इज नॉट देयर कि तिथि खत्म हो गई। तिथि कभी खत्म नहीं होती, तिथि आएगी और पूरे दिन के लिए आएगी। ओनली थिंग इज कि सनराइज के टाइम नहीं आई, सनराइज से जस्ट बाद शुरू हुई और सनराइज से जस्ट पहले खत्म हो गई। इसलिए ये प्रॉब्लम आई कि हम दोनों दिन, हमने इस दिन हमने सेवेंथ तिथि दिखाई, सप्तमी दिखाई, और इस दिन हमने नवीं तिथि दिखाई और आठवीं तिथि कहीं पंचांग में आई नहीं। तो इस कंसेप्ट को हम तिथि क्षय बोलते हैं कि एक तिथि जो है वो कम हो जाती है, लेकिन कम नहीं होती। आपको जो भी काम करना है अष्टमी के दिन, यू हैव द फुल ड्यूरेशन ऑफ दैट तिथि, यू कैन डू एट दैट टाइम। अब आता है तिथि वृद्धि। जैसे तिथि क्षय का कंसेप्ट आपने देखा, नाउ लेट अस टॉक अबाउट तिथि वृद्धि। तिथि वृद्धि कैसे हो सकती है? सनराइज सनसेट, सनराइज सनसेट, सनराइज। नाउ व्हाट दैट मींस कि अभी आपने देखा तिथि का ड्यूरेशन थोड़ा कम था. नाउ दिस इज अनदर केस वेयर द ड्यूरेशन ऑफ द तिथि इज मोर. इस बड़ी तिथि है उसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है. तो ये जो एक सनराइज के टाइम 7 तिथि चल रही थी, 7 तिथि चल रही थी और वो तिथि जो है जस्ट सनराइज से पहले खत्म हो गई. वो तिथि सनराइज से जस्ट पहले खत्म हो गई और नेक्स्ट तिथि 8वीं तिथि शुरू हो गई. तो इस सनराइज को हमने 8वीं तिथि दिखाया क्योंकि जस्ट सनराइज से पहले वो तिथि शुरू हो चुकी थी. बट तिथि का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा है तो वो तिथि थोड़ा सा लंबा चला और नेक्स्ट सनराइज के जस्ट बाद खत्म हुई. पहली जो सनराइज था उससे जस्ट पहले शुरू हुई और नेक्स्ट सनराइज के जस्ट बाद खत्म हुई. तो इस दिन हमने तिथि दिखाई 8वीं तिथि और इस दिन भी हमने अष्टमी तिथि दिखाई. दोनों दिन हमने अष्टमी तिथि दिखाई. तो पंचांग में कहेंगे कि दोनों दिन क्योंकि एक ही तिथि आ रही है और 2 बार आ रही है तो तिथि वृद्धि का कंसेप्ट है कि तिथि जो है वो बढ़ गई. और ना तिथि बढ़ती है ना तिथि कम होती है. ओनली प्रॉब्लम इज कि जो हमें कैलेंडर में हमारा जो प्रिंसिपल है कि सनराइज के टाइम जो तिथि एग्जिस्ट करती है वो तिथि हमें दिखानी पड़ती है और इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम आती है. बट क्योंकि आपके पास पंचांग है, आपको मालूम है, आपको हर तिथि का पूरा ड्यूरेशन मालूम है तो ये जो तिथि वृद्धि एंड तिथि 6 नथिंग टू डू विद एस्ट्रोलॉजी कि हम कहें कि ये शुभ है या खराब होता है या अच्छा होता है. नथिंग टू डू विद दैट एक्चुअली. ओनली थिंग इज कि दिस इज ओनली ए कैलेंडर एक्चुअली कि हमने तिथि जो है तिथि का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स नहीं है और तिथि जो है कभी भी दिन रात में कभी भी शुरू हो सकती है कभी भी खत्म हो सकती है इसलिए ये प्रॉब्लम आती है. नाउ ए वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि सोलर ईयर जो है वो 365 प्लस डेज का होता है, इतने दिन का होता है. और ल्यूनर मंथ हमने देखा कि 29.5 दिन का होता है, 29.5306 डेज का होता है. तो एक साल में इन दोनों में कितने दिन का डिफरेंस हो गया? 11 दिन का डिफरेंस हो गया. एक साल में ये डिफरेंस जो है वो 11 दिन का हो जाता है. और हम अपने सारे फेस्टिवल ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड मनाते हैं. तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक साल में 11 दिन का डिफरेंस आ गया दोनों कैलेंडर में क्योंकि एक का ड्यूरेशन है 365 डेज और एक का ड्यूरेशन है 354 डेज. इसका अर्थ ये हुआ कि एक फेस्टिवल आज मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डेट पर पड़ा तो नेक्स्ट ईयर जो है वो 11 दिन पहले पड़ेगा क्योंकि लूनर मंथ जो है वो कम है 11 दिन. और अगले साल फिर 11 दिन पहले पड़ेगा, फिर 11 दिन पहले पड़ेगा, फिर 11 दिन पहले पड़ेगा. और आप एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या देखते हैं कि दिवाली मान लीजिए कि लेट अस से कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि 5 नवंबर को पड़ी एक पर्टिकुलर ईयर में जो है तो नेक्स्ट ईयर 11 दिन पहले पड़ेगी मतलब 24 अक्टूबर को पड़ेगी. फिर अगले साल फिर 11 दिन पहले पड़ेगी, लेट अस से 13 अक्टूबर को पड़ी. फिर क्या होता है? Then we again go back to the same position 5 नवंबर को. तीसरे साल आप देखते हैं कि फिर दोबारा से 5 नवंबर को आ गई. तो ये कैसे पॉसिबल होता है, कैसे हो जाता है? और जो इसकी अगेंस्ट में अगर हम मुस्लिम कैलेंडर को देखें तो आप जो ये इनके रोजे वगैरह होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में उसमें हर साल 11 दिन का अंदर आता है. हर साल 11 दिन पहले होते हैं. कभी आपने देखा होगा रोजे गर्मी में भी पड़ रहे हैं और सर्दी में भी पड़ रहे हैं. वो इसीलिए कि ये जो 11-11 दिन का डिफरेंस है इट अलाउड टू बी कंटिन्यू इन देयर सिस्टम. बट इन आवर सिस्टम वी डोंट अलाउ दिस टू कंटिन्यू. अगर ऐसा होता तो कभी दिवाली जाड़ों में पड़ती, कभी गर्मियों में पड़ती, कभी बरसात में पड़ती. ऐसा हमारे यहाँ सिस्टम में नहीं है. तो हम क्या करते हैं कि हर तीसरे साल जो ल्यूनर ईयर है और जो सोलर ईयर है उसको आपस में एडजस्ट करते हैं, उसको आपस में एडजस्ट करते हैं. और एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो डिफरेंस है ऑफ 11 डेज पर ईयर इट बिकम्स डिफरेंस ऑफ 1 मंथ इन 32.5 मंथ्स. 32.5 मंथ्स में मतलब हर तीसरे साल जो है ये डिफरेंस पूरा 1 महीने का हो जाता है. तो इन दोनों कैलेंडर को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने ल्यूनर ईयर में 1 महीना ऐड कर देते हैं. अपने ल्यूनर ईयर में एक महीना ऐड कर देते हैं, तो उस साल जो है वो ल्यूनर ईयर जो है इन प्लेस ऑफ 12 मंथ्स इट इज ऑफ 13 मंथ्स। और आप देखते हैं कि दिवाली फिर जो है वापस वहीं पर आ जाती है, या कोई भी फेस्टिवल जो है 2 साल तक तो इट्स अलाउड टू कंटिन्यू 11-11 दिन पहले, बट तीसरे साल जो है जैसे ही हम ये एडजस्टमेंट करते हैं एक एडिशनल मंथ ऐड करते हैं अपने ल्यूनर ईयर में, तो दिस डिफरेंस अगेन दे इट कम्स बैक टू द सेम पोजीशन। तो ये जो महीना हम ऐड करते हैं हर तीसरे साल, इसको हम अधिक मास बोलते हैं, मल मास बोलते हैं, कोई पुरुषोत्तम मास भी इसको बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। अधिक मास है, मल मास है, पुरुषोत्तम मास है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ भी एक वही चीज आ जाती है जिन लोगों को पता नहीं है कि ये शुभ है या अशुभ है, कोई कहते हैं अशुभ है, कोई कहता है अशुभ है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग टू डू विद द शुभ और अशुभ, इट इज ओनली एन एडजस्टमेंट बिटवीन द टू कैलेंडर्स, दैट इज द ल्यूनर कैलेंडर एज वेल एज द इंग्लिश कैलेंडर। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम ऐड नहीं करते, अगर ये कंसेप्ट हमारे सिस्टम में नहीं होता, या अगर ये लूनर कैलेंडर में ऐसा नहीं होता, तो आप देखते हैं कि हर फेस्टिवल जो है वो 11-11 दिन पहले चलता रहता, और कभी हम जनवरी में मना रहे हैं, कभी जून में मना रहे हैं, कभी नवंबर में मना रहे हैं। तो ऐसा हमें अलाउड नहीं किया जाता, और मैक्सिमम जो डिफरेंस होता है किसी भी फेस्टिवल में 22 दिन का हो सकता है, और 22 दिन का डिफरेंस होने से कभी हम कहते हैं कि दिवाली बहुत जल्दी आ गई, या कभी कहते हैं दिवाली बहुत लेट है इस बार। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि हमें जो हर तीसरे साल दो बार तो अलाउ करते हैं हम 11-11 दिन का डिफरेंस, कि एक बार दिवाली एक दिन पड़ी, अगले बार 11 दिन पहले पड़ेगी, अगले बार फिर 11 दिन पहले पड़ेगी, और तीसरे साल आप देखेंगे कि वहीं पर उसी पोजीशन में हम पहुंच जाएंगे। इट विल अगेन कोइंसाइड विद द इंग्लिश कैलेंडर। तो दिस इज नथिंग टू डू बट जस्ट ए सिस्टम टू एडजस्ट द टू कैलेंडर्स। और हम लोग मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी को ही मनाते हैं एवरी ईयर, उसमें तो मकर संक्रांति का मैंने कहा अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो इट इज बेस्ड ऑन द सोलर कैलेंडर। मकर संक्रांति का मतलब होता है कि व्हेन द सन एंटर्स द मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, एंड दैट इज अ फिक्स्ड टाइम, दैट इज ऑलवेज ऑन 14th of January, और दैट इज बेस्ड ऑन द सोलर कैलेंडर, दैट इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन अलोन। मैंने कहा कि सन जैसे जैसे राशि चेंज करता है उस मोमेंट को हम संक्रांति के रूप में मनाते हैं। दैट इज लाइक ए सेलिब्रेशन, जैसे हम हाउस वार्मिंग करते हैं कि जब हम नए घर में जाते हैं तो सन हमारा देवता है, सन इज द गॉड ऑफ एनर्जी, तो उसको हम एक सेलिब्रेट करते हैं, उसकी हम फिर पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम गुरु के पास जाते हैं, तो दैट वी डू ऑन एवरी संक्रांति। सो दे आर 12 संक्रांति, बट मैंने बताया था कि वाई दिस मकर संक्रांति इज इम्पोर्टेंट, बट मकर संक्रांति फॉर द टाइम बीइंग इज नथिंग बट द एंट्री ऑफ सन इन द मकर राशि या कैप्रिकॉर्न साइन, एंड दैट इज फिक्स्ड। जैसे मैंने कहा कि सोलर कैलेंडर के अंदर 14-15 अप्रैल को सन मेष राशि में एंटर करता है, तो मेष संक्रांति हो गई। तो हर करीब 15th of the month, अराउंड 15th of the month सन एंटर्स न्यू राशि एज पर द सोलर सिस्टम, तो उसको हम संक्रांति के रूप में मनाते हैं। बट यहाँ पर लूनर कैलेंडर में संक्रांति वगैरह नहीं है, दैट इज ऑन बेस्ड ऑन द सोलर कैलेंडर। तो क्या किया आपने कि हर तीसरे साल लूनर ईयर में एक महीना ऐड कर दिया, एंड दैट ईयर द लूनर ईयर ऑफ 13 मंथ्स 12 महीने से 13 महीने का हो गया। और द सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि द टाइम कम्स व्हेन वी हैव टू रिड्यूस 1 month आल्सो फ्रॉम आवर लूनर ईयर। एक समय ऐसा भी आता है कि जब हमें जो लूनर ईयर में जो 12 महीने होते हैं उसमें एक महीना कम करना पड़ता है जस्ट टू एडजस्ट दिस टू कैलेंडर्स, तो उसको हम कहते हैं मास क्षय, कि हमें एक महीना कम करना पड़ रहा है। जैसे हम बढ़ाने का तो हो गया कि हर तीसरे साल हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। दिस एक्सरसाइज वी हैव टू डू एवरी थर्ड ईयर, कि लूनर ईयर जो है एट दैट टाइम विल बी ऑफ 13 मंथ्स। और मास क्षय का जहां तक सवाल है, दैट इज ए रेयर फिनोमेनन, और वो हमारा या तो 19 ईयर्स के बाद होता है या 141 ईयर्स के बाद होता है, आइदर आफ्टर 19 years और आफ्टर 141 years। कैसे होता है कि ये जो पिछले अगर आप डाटा लें तो इट हैपेंड इन 1820 to 23, पहली बार जो अभी 2 सेंचुरी आपका डाटा अगर हम लें, उसके बाद आफ्टर 141 years इट हैपेंड इन 1963-64 में दोबारा से हुआ। और फिर उसके 19 साल के बाद इट हैपेंड इन 1982-83 और अब जो है अब 1982-83 के 141 इयर्स के बाद होगा कि जो मार्च 6 होगा वो अब 141 के मतलब इट विल बी अराउंड 2060 एक्चुअली। तो ये जो अधिक मास का कंसेप्ट है दिस वी हैव टू डू आफ्टर एवरी थर्ड ईयर, वेयर एज जो मास 6 का कंसेप्ट है that has to be done after 19 years or 141 years. तो ये अधिक मास और जो मास 6 का सिस्टम है ये हमें सिर्फ जो है दो कैलेंडर को एडजस्ट करने के लिए करना पड़ता है। अब जो क्वेश्चन तो ये है, नाउ यू सी द साइंस बिहाइंड दिस या लॉजिक बिहाइंड दिस कि अब ये तो हमने कह दिया कि हम जो भी थर्ड ईयर में एक महीना ऐड कर देंगे, दिस इज वेरी सिंपल कि हो गया ठीक है हम कर देंगे, बट क्वेश्चन इज कि विच मंथ इज टू बी एडेड या साल में कौन सा महीना है जिसको हम अधिक मास करेंगे या कौन सा महीना है जो दो होंगे। दिस इज नॉट लेफ्ट एट द विम्स एंड फैंसीज ऑफ एनीबडी। अगर ऐसा होता तो हर पंचांग में कोई कहता आषाढ़ दो है, कोई कहता श्रावण दो है, कोई कहता कार्तिक दो है। इट इज नॉट अलाउड एंड ए वेरी साइंटिफिक प्रिंसिपल इज कि साल में एक महीना ही ऐसा होगा जिस महीने में सन जो है राशि परिवर्तन नहीं करेगा। पूर्णिमा से पूर्णिमा के दिन मतलब जो महीना की शुरुआत हुई पूर्णिमा के दिन और इट इज अप टू नेक्स्ट पूर्णिमा, इस ड्यूरेशन के बीच हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा महीना है जब सन जो है राशि परिवर्तन नहीं कर रहा। सन इज नॉट making any transit, sun is not changing the sign, and you will find that out of the 12 months of the lunar year there is only one month in which sun will not transit, sun will not change the sign. Aur ye kab possible hai ki sun is taking more time to move into a rashi, particular rashi, aur maine kaha tha ki jo sun ka movement hai राशि में वो इज बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द सन मून एंड द अर्थ कि कभी ये समय ज्यादा होता है कभी ये समय कम होता है। तो ऐसा कौन सा महीना होगा कि जिसमें जो सन ट्रांजिट ही ना करे या सन जो है एक साइन क्रॉस करने में ज्यादा समय ले रहा है। व्हेन इट इज पॉसिबल व्हेन सन इज मूविंग एट ए स्लोअर स्पीड, रिलेटिवली एट ए स्लोअर स्पीड। और मैंने कहा था कि जो सन का और अर्थ का जो डिस्टेंस है दैट इज मैक्सिमम इन द मैक्सिमम अराउंड जुलाई एंड इट इज मिनिमम इन द मंथ ऑफ जनवरी। जुलाई के महीने के आसपास या जुलाई में एग्जैक्टली सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है और जनवरी में जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं बहुत जोर शोर से उस टाइम सन हमारे बहुत पास में होता है या सन और अर्थ का डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा है सन और अर्थ का इट मींस दे आर मूविंग एट ए स्लोअर स्पीड, सन इज मूविंग एट ए स्लोअर स्पीड। और जब पास होता है इट मींस द स्पीड ऑफ द सन इज मोर। तो ये जो हमने कहा कि हमें ऐसा महीना चूज करना है 12 महीने में से जिस महीने में सन का कोई मूवमेंट नहीं होगा, सन जोडियक में अपनी राशि को परिवर्तन नहीं करेगा एंड दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर मंथ, ड्यूरिंग ओनली वन मंथ एंड दैट पॉसिबिलिटी इज अराउंड जुलाई। जुलाई के आसपास ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो ही एक टाइम है कि जब सन की स्पीड कम होती है, सन टेक्स मोर टाइम टू क्रॉस ए साइन। तो ये पॉसिबिलिटी जो है वो जुलाई के आसपास होती है और एग्जैक्टली अगर आप कभी भी रिसर्च करेंगे या कुछ पीछे का डाटा उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि अधिक मास इज ऑलवेज बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर, मतलब 3 महीने जुलाई के इधर या 3 महीने जुलाई के उधर जब भी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी और किसी महीने में नहीं हो सकती। तो इसलिए जब ये अधिक मास होता है तो यू विल फाइंड दैट नॉर्मली इट इज बिटवीन वैशाख से शुरू करके वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद या उससे एक महीना और आगे तक होता है और किसी पीरियड में नहीं होगा। ये 6 महीने में ही अधिक मास होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो और जो अभी लकीली जो है मैं पंचांग देख रहा था तो इस साल वी आर एडिंग 1 मंथ इन आवर लूनर ईयर। इसी साल जो है हम एक महीना ऐड कर रहे हैं अपने लूनर ईयर में, जिसको कि हम अधिक मास कहते हैं। और अधिक मास जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यू विल सी दैट ऑल द फेस्टिवल दे गो बैक टू द सेम पोजीशन। और इस साल जो अधिक मास है, जस्ट लुक एट द पंचांग, तो ये अधिक मास है, इसमें जो ड्यूरेशन है मैंने देखा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 17 सितंबर 2020, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 17 सितंबर 2020 at 16:33 hours, and another Purnima is on 17th October 2020 at 1.04 hours. So this is the duration of this month. ये जो इस साल हम ऐड करने जा रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, ये उस का ड्यूरेशन है। Now we have to see the transit of the sun, कि सन जो है उस पीरियड में कैसे उसने गोचर किया, कैसे अपनी राशि को परिवर्तन किया। तो अगर आप पंचांग अगेन रेफर करेंगे तो यू विल फाइंड दैट सन इज एंटरिंग वर्गो साइन, एंटरिंग वर्गो साइन ऑन 16 सितंबर 2020 एट 19.09 आवर्स। क्या मतलब हुआ कि महीना शुरू होने से पहले, ये जो महीने का स्टार्ट है 17 सितंबर को, उससे शुरू होने से पहले ही 16 सितंबर को सन ने साइन चेंज कर दिया। सन एंटर्ड द वर्गो साइन, राइट? और सन लिब्रा साइन में कब एंटर किया? इट एंटर्ड लिब्रा साइन ऑन 18 अक्टूबर, दैट इज आफ्टर दिस मंथ वाज ओवर। जब ये महीना पूरा खत्म हो गया, जब ये दूसरी पूर्णिमा आ गई, उसके बाद सन ने साइन चेंज किया। सन ने एंटर किया वर्गो साइन में जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मंथ, और सन ने लिब्रा साइन में एंटर किया जस्ट व्हेन द मंथ वाज कंप्लीट। जब मंथ पूरा हो गया तब सन ने लिब्रा साइन में एंटर किया। तो इस पूरे महीने के दौरान, सी द टाइम ड्यूरिंग द एंटायर मंथ, सन डिड नॉट चेंज द साइन, सन रिमेन्ड ओनली इन द लिब्रा साइन। नहीं तो नॉर्मली आप देखेंगे कि पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में सन कहीं ना कहीं साइन चेंज करेगा, सन में राशि का परिवर्तन होगा। बट देयर विल बी ओनली वन मंथ व्हेन सन विल नॉट चेंज द साइन। तो इस साल हमने देखा कि इस महीने के दौरान जो है सन ने साइन चेंज नहीं किया, तो इसलिए हमने इसको अधिक मास डिक्लेयर कर दिया, तो ये जो है, ये वाला जो भी महीना होगा, अश्विन या जो भी होगा, वो दो होंगे इस साल। तो हम कहेंगे कि इस बार अश्विन जो है 2 महीने है, डबल है, पहला अश्विन और दूसरा अश्विन। तो साल में 13 महीने हो गए 12 महीने की बजाय। तो इस तरह से हम अधिक मास को ऐड करते हैं। अब जैसे साइंटिफिक, इट्स नॉट अलाउड कि आप अपने हिसाब से कर लीजिए। वी हैव टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर मंथ इन विच सन इज नॉट मेकिंग ट्रांजिट, एंड दैट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर ऑल द पंचांग। ऐसा नहीं कि अलग अलग पंचांगों में लिखा होगा कि आज ये श्रावण 2 है, कोई कहेगा आषाढ़ 2 है, कोई कहेगा कार्तिक 2 है, ऐसा नहीं है। देयर हैज टू बी ओनली वन पर्टिकुलर मंथ एंड विच इज एप्लीकेबल फॉर everybody, and that month will be declared as अधिक मास। अधिक मास का मतलब ये होता है कि वो 2 महीने होंगे इस बार। जो मान लीजिए अश्विन है तो अश्विन 2 होंगे इस बार। और जब इसके विपरीत हम बात कर रहे थे मास 6 की, कि हमें 1 महीना कम करना पड़ता है लूनर ईयर में से। Now question is कि which month we have to reduce, which month we should reduce। जैसे हमने कहा कि अधिक मास हमारे whims and fancies के ऊपर नहीं है, इट्स अ साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉर दैट। तो मास 6 के लिए कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा कि हमें कौन सा महीना कम करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कौन सा महीना कम करना है। 12 महीने में से जो है एक हम उड़ा देंगे, 1 महीने को जो है। तो जैसे इसमें यह है अधिक मास में कि वो महीना जिसमें सन ने ट्रांजिट नहीं किया, सन ने गोचर नहीं किया, हमने उसको 1 महीने को कम कर दिया। यहाँ इसका बिल्कुल उल्टा है कि the month in which the sun makes 2 transit, 2 बार राशि परिवर्तन करता है, वो महीना जिस महीने में सन 2 बार राशि परिवर्तन करता है, उस महीने को हम कम करेंगे। वो भी एक ही महीना होगा साल में, वो भी 2 महीने नहीं होंगे कि हम अलग अलग कर लें। तो भी एक ऐसा महीना होगा कि जब सन जो है उस पूर्णिमा से पूर्णिमा के दौरान 2 बार राशि परिवर्तन करेगा, तो उस महीने को हम कम करेंगे जब हमें मास 6 करना है। तो ये हो गया अधिक मास और मास 6 कि हमें कम भी करना पड़ रहा है और ज्यादा भी करना पड़ रहा है। नाउ वी कम टू द the name of the months actually. कि जो हम मैंने कहा था कि there has to be some scientific reason for that. So let us see what is the reason behind this actually. ये महीनों के नाम है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र। और उससे पहले मैं एक चीज और भी बताना चाह रहा था, आपको भूल गया शायद मैं, कि जो हमने कहा था विक्रमी और जो साका ईयर होते हैं, वन इज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड जोडियक सिस्टम एंड वन इज बेस्ड ऑन द मूविंग जोडियक सिस्टम। तो जो फिक्स्ड जोडियक सिस्टम है, विक्रमी ईयर है, उसका जो पहला महीना होता है वैशाख का होता है। विक्रमी ईयर का जो 15 अप्रैल से शुरू होता है, तो 15 अप्रैल का जो पहला महीना होता है उसको हम वैशाख कहते हैं। लेकिन साका ईयर में जो 23 मार्च को शुरू होता है, इस फर्स्ट मंथ इज नोन एज चैत्रा। विक्रमी ईयर का पहला महीना वैशाख है और साका ईयर का पहला महीना चैत्र है। तो ये भी ध्यान आप रखिए कि जो साका ईयर होता है दैट स्टार्ट्स विद द मंथ ऑफ चैत्रा, और जो विक्रमी ईयर होता है दैट स्टार्ट्स विद द मंथ ऑफ वैशाख। नाउ वी हैव सेलेक्टेड दिस 12 नक्षत्रास आउट ऑफ 27। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस कैलेंडर इज कि जिस दिन पूर्णिमा होती है, जिस दिन या जिस समय पूर्णिमा होती है, चंद्रमा उसी नक्षत्र में होगा जिस महीने के ऊपर उसका नाम बेस्ड है। जिस दिन पूर्णिमा होगी या जिस दिन महीने की शुरुआत होगी, उस दिन चंद्रमा उसी नक्षत्र में होगा जिस नक्षत्र के ऊपर उस महीने का नाम बेस्ड है। इट्स ए वंडरफुल थिंग, इट्स वेरी साइंटिफिक कि कैसे होता है कि इतना हमने एडजस्टमेंट किया, एक महीना ऐड भी किया, एक महीना कम भी किया। इवन देन द नक्षत्र विल बी सेम on which the name of the month is based. जैसे वैशाख है तो विशाखा नक्षत्र हो गया, ज्येष्ठ है तो ज्येष्ठ नक्षत्र हो गया, आषाढ़ है तो पूर्व आषाढ़ और उत्तर आषाढ़ जो भी होता है वो हो जाता है, श्रावण है तो श्रावण नक्षत्र ही होगा, भाद्रपद है तो उत्तर भाद्रपद या पूर्व भाद्रपद ही होगा। तो ये इस कैलेंडर की ब्यूटी है, इट्स सो साइंटिफिक कि इतना एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी जो नक्षत्र पड़ेगा उस दिन, जिस दिन महीने की शुरुआत होगी, वो ही नक्षत्र होगा जिस महीने के ऊपर उसका नाम, जिस नक्षत्र के ऊपर उसका नाम बेस्ड है। तो दैट इज द ब्यूटी एंड दैट्स व्हाई वी हैव चोजन ओनली 12 नक्षत्र आउट ऑफ 27, बिकॉज ये नक्षत्र को इंडिकेट करते हैं कि जो महीने का नाम है वो उसी नक्षत्र के ऊपर बेस्ड है। जिस दिन महीने की शुरुआत होती है तो वही उसी नक्षत्र से शुरुआत होती है। तो दिस इज अबाउट दिस कैलेंडर, ल्यूनर कैलेंडर। और ये जो बार बार हम लोग सुनते हैं या देखते हैं कि ये फेस्टिवल आज है या कल है, सो मच ऑफ कंफ्यूजन, और हम लोग कभी कभी दोष भी देते हैं कि पता नहीं कौन सा सिस्टम है, क्या है जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। बट दिस इज नथिंग लाइक दैट एक्चुअली। ये तो सिर्फ एक, क्योंकि हमने कैलेंडर देखा या पंचांग देखा और उसमें एक पर्टिकुलर डेट लिखी हुई है, और लेमैन को तो पता नहीं कि ये जो हमारा तिथि कब खत्म हो रही है, कैसे क्या सिस्टम है, तो वो मान कर चलता है कि कैलेंडर में लिखा है तो आई विल गो बाय दैट ओनली, जैसे कि नॉर्मल होता भी है। लेकिन नाउ बिकॉज यू नो अबाउट दिस एस्ट्रोलॉजी, यू नो द कंसेप्ट ऑफ तिथि, यू नो द कंसेप्ट ऑफ मंथ, सो यू कैन वेरी वेल टेल एनीबॉडी कि हमें कौन सा फेस्टिवल या कोई भी अगर मुहूर्त करना है या कुछ और काम करना है, एक पर्टिकुलर तिथि में करना है, तो वो तिथि आएगी, जरूर आएगी, ना तो वो वृद्धि होगी ना क्षय होगी, वो तिथि का पूरा ड्यूरेशन आएगा और उसको देखकर हम कोई भी काम कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ल्यूनर कैलेंडर। सो वी हैव डिस्कस्ड सोलर कैलेंडर, वी हैव डिस्कस्ड ल्यूनर कैलेंडर आल्सो। और आज मैं थोड़ा सा ये जो हम राहु काल की बात करते हैं बार बार, और मे बी कि हम इतना नहीं मानते नॉर्थ इंडिया में, बट साउथ इंडिया में दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस राहु काल। तो और वो भी लोग पूछते हैं आपसे आजकल कि राहु काल तो नहीं चल रहा है, देख के बता दो हमें जो है। तो वी शुड नो व्हाट इज राहु काल एंड क्या इसका इम्प्लीकेशन होता है। तो सिंपल प्रिंसिपल यही है कि आप जैसा भी देखते हैं, क्योंकि आप सभी के साउथ इंडियन फ्रेंड्स होते हैं, कि वो हमेशा राहु काल के लिए दे वेरी पर्टिकुलर। और मैंने तो ऑफिस में देखा है कि वो अगर राहु काल चल रहा होगा तो वो इवन दे डोंट साइन इवन पेपर ऑन दैट टाइम एक्चुअली। तो दे आर सो पर्टिकुलर कि राहु काल है तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमें गलती हो जाएगी शायद, जो है कोई भी ना ऑपरेशन कराएंगे, ना एडमिट होंगे, ना डॉक्टर को दिखाएंगे, कुछ भी अच्छा काम नहीं करते। तो उनका जो कंसेप्ट है इट्स नॉट connected with the astrology in any way, but what they do actually that I am going to tell you कि दिन का मतलब है कि सनराइज से सनसेट का टाइम, उसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 8 इक्वल पार्ट्स। जैसे कि मान लीजिए कि सनराइज 6 बजे का है और सनसेट भी 6 बजे का है, तो फ्रॉम 6 AM to 6 PM the duration is 12 hours। तो इस 12 आवर्स को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ईच पार्ट इज ऑफ 1.5 आवर, 1.5 घंटे का जो है एक टाइम होता है। तो वो कहते हैं कि ये जो ऑन ईच डे दिस 1/8 पोर्शन इज रूल्ड बाय द प्लैनेट राहु, विच इज नॉट एन ऑस्पिशियस टाइम टू डू एनी ऑस्पिशियस वर्क। ये जो हमने सुबह से लेकर या सनराइज से सनसेट के टाइम को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से हर दिन 1.5 घंटे का समय ऐसा आएगा कि विच इज रूल्ड बाय राहु, और वो हमें कोई भी शुभ काम करने के लिए उसको अच्छा नहीं माना गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि दिस 1.5 आवर पीरियड इज नॉट इन द सीक्वेंस कि मंडे को सुबह आएगा और फिर उसके बाद इट्स नॉट लाइक दैट। The sequence is not in the serial order actually. The time keeps on changing every day. So now problem for a common man is कि how to remember कि Sunday को कब होगा, Monday को कब होगा, Tuesday को कब होगा, वो एक problem बनी रहती है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि लिखा नहीं मैंने। Anyway, we made a sentence कि mother saw father. You can note down actually कि mother saw father wearing the turban slowly. Mother saw father wearing the turban slowly. If you remember this sentence, then it becomes very easy for you to remember कि कौन से दिन कौन सा टाइम आएगा। Mother saw father wearing the turban slowly. Mother means Monday. तो क्या करते हैं उसमें कि जो सनराइज से सनसेट का जो टाइम होता है, मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल ली कि 6 बजे से 6 बजे तक, तो 12 घंटे का टाइम हुआ। तो 12 घंटे को हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ईच पार्ट इज 1.5 आवर। तो पहले पार्ट को हम छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि यू जस्ट लीव द फर्स्ट पार्ट दैट इज फ्रॉम 6 to 7:30, देन द राहु काल विल स्टार्ट फ्रॉम 7:30 ऑनवर्ड, 7:30 to 6 इन द इवनिंग। तो पहले पार्ट को या पहला जो 1/8 पोर्शन होता है दिन मान का या ड्यूरेशन ऑफ द डे का, उसको हम छोड़ देते हैं और हम उसके बाद से हम शुरू करते हैं। तो मदर मैंने कहा मंडे, तो मंडे इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज फ्रॉम 7:30 to 9। अगर हम 6 बजे सनराइज ले रहे हैं और 6 बजे सनसेट ले रहे हैं, तो ये जो पीरियड आएगा फ्रॉम 7:30 to 9 on Monday, that will be the period of Rahu Kaal. So this is the first. Mother का मतलब है this is the first 1/8 portion actually. So Monday के दिन जो है पहला जो portion होगा that is governed by the Rahu, or we call it Rahu Kalam. कि Monday के दिन हमेशा जो Rahu Kaal होता है वो 7:30 to 9 के बीच में होता है। Then second is Saw. Saw means Saturday. This is Saturday. So Saturday के दिन is the second part. That is from 9 to 10:30. Saturday के दिन जो राहु काल होगा that will be during the period 9 to 10:30. Mother saw father. Father is Friday. So Friday is the third 1/8 portion. Friday को जो राहु काल होगा वो कब होगा? 10:30 से 12 के बीच में, 10:30 से 12 के बीच में Friday को राहु काल होगा। Saw father wearing means Wednesday. So then we go to this Wednesday, and Wednesday is the fourth 1/8 portion actually. That is from 12 to 1:30. दिन में 12 बजे से 1:30 बजे का पीरियड होता है Wednesday को, वो राहु काल होता है। Wearing the means Thursday. तो पांचवा जो पोर्शन है that is from 1:30 to 3. that is Rahu Kal on Thursday. Then Turban, Turban means Tuesday. Then next portion is Tuesday, that is the sixth portion. ये Tuesday का portion हो गया 3 से 4:30 का time जो है. और last जो है slowly means Sunday. तो last portion जो हुआ वो Sunday को हुआ and Sunday the Rahu Kal is from 4:30 to 6. Now you might have seen or you might have experienced that these South Indians, they are very happy on Monday. They feel very happy on Monday. Why? Because by the time they go to the office, this Rahu Kal is already over. तो उनको याद नहीं करना पड़ता, उनको ध्यान नहीं करना पड़ता कि कौन सा टाइम है राहु काल का. तो मंडे दे फील वेरी कंफर्टेबल कि आज ऑफिस के ड्यूरेशन में राहु काल नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय द टाइम दे गो टू द ऑफिस राहु काल इज ऑलरेडी ओवर एक्चुअली. क्योंकि मंडे को जो पहला पोर्शन है दैट इज फ्रॉम 7:30 to 9, उसको हम राहु काल कहते हैं. बट क्वेश्चन ये है कि एवरी साउथ इंडियन या मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन दे गो ओनली बाय दिस बेसिस कि मंडे को 7:30 से 9 है और सैटरडे को 9 से 10:30 है, इस तरह से जाते हैं. एंड एक उन्होंने ये थंब रूल बना लिया एक तरह से जो है कि ऐसा ही है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो बाय दैट ओनली. बट दिस इज नॉट करेक्ट. और इसमें बहुत समटाइम आई हैव सीन द वेरिएशन ऑफ इवन 45 मिनट्स. क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली सनराइज लेना है, सनसेट लेना है उस पर्टिकुलर डे का जिस दिन हम राहु काल निकाल रहे हैं. वी शुड नो व्हाट इज द सनराइज टाइम एंड व्हाट इज द सनसेट टाइम. और कभी कभी जैसे आप देखते हैं कि जाड़ों में सनराइज बहुत देर से होता है, सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है. सनराइज होता है सुबह 7:30 बजे और सनसेट हो जाता है 5 बजे. तो ड्यूरेशन ऑफ द डे इज नॉट 12 आवर्स, इट इज मच लेस देन 12 आवर्स. तो हमें एग्जैक्टली जिस दिन का राहु काल निकालना है, अगर हमें एग्जैक्ट राहु काल निकालना है तो हमें पंचांग से उस दिन का सनराइज टाइम निकालना पड़ेगा, उस दिन का सनसेट का टाइम निकालना पड़ेगा. और इस ड्यूरेशन को फ्रॉम सनराइज टू सनसेट वी विल डिवाइड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. वी विल डिवाइड दैट इनटू 8 इक्वल पार्ट एंड बेस्ड ऑन दैट then we calculate the exact time of Rahu Kal on that day. Exact time of Rahu Kal on that day कि हम sunrise से sunset के time को 8 equal part में divide करेंगे. पहले portion को छोड़ देंगे और we start from the second portion and that is duration is on Monday. So this period will not be 1.5 hour. It may be much less or even more than. क्योंकि गर्मियों में देखिए कि sunrise जल्दी हो जाता है, sunset बहुत देर से होता है. So it may be either less than 1.5 hour or it may be more than 1.5 hour. और कभी कभी जो है इसमें काफी वेरिएशन हो जाता है काफी. तो इसलिए हमें जो जानते हैं वो एग्जैक्टली टाइम को निकालते हैं, या जो पंचांग हैं बहुत सारे उसमें हर दिन का टाइम भी लिखा रहता है राहु काल का. तो कैलकुलेशन करने के बाद दे इंडिकेट द टाइम ऑफ राहु काल फॉर ईच डे. तो अगर आपके पास वो पंचांग है तो उससे आप देख सकते हो कि हर दिन राहु काल कब पड़ रहा है. और अदरवाइज आप पंचांग में से सनराइज और सनसेट का टाइम देखकर एग्जैक्ट आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि सनराइज कब होगा और या ड्यूरेशन ऑफ द डे कितना है. और उसका हम 8 पार्ट में डिवाइड करके ईच 1/8 पार्ट वी टेक इनटू अकाउंट एंड वी फाइंड आउट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ राहु काल ऑन ईच डे. तो ये है अबाउट राहु काल, क्योंकि ये लोग जनरली पूछते हैं. बट नाउ आई थिंक यू मे बी हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस मंथ एंड लूनर मंथ एंड ऑल दोस थिंग्स. तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं. आई थिंक आई लीव इट टू यू, सो यू कैन आस्क व्हाटएवर यू हैव डाउट, बिकॉज दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पूरी जिंदगी डेली करना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में. और डेली लोग पूछेंगे आपसे कौन सी तिथि है, कब खत्म हो रही है, क्या हो रहा है, अधिक मास कब है, क्या होता है इसमें. तो ये सब चीजें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. इसलिए जो भी आपके मन में डाउट है तो यू प्लीज आस्क एक्चुअली, और उसको आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. अभी सन और मून के डिस्टेंस के बीच की जो डिग्री है वो सनराइज के टाइम पर कितनी है, कैसे पता चलेगा? मैंने ये नहीं कहा कि सनराइज के टाइम हमें डिग्री देखनी है, हमें ये देखना है कि जो 12 डिग्री का वेरिएशन हो रहा है वो कब खत्म हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि महीने की हमने शुरुआत की व्हेन सन एंड मून दे वर 180 डिग्री अपार्ट, 180 डिग्री का डिफरेंस था दोनों के बीच में। ये डिफरेंस धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ और जैसे ही ये डिफरेंस 12 डिग्री से वेरी किया, मतलब 180 से व्हेन वी कम टू 168 डिग्री, तो दैट इज द कंप्लीशन ऑफ वन तिथि, दैट इज द एंड ऑफ वन तिथि। तो वो तिथि कभी भी खत्म हो सकती है बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ सन एंड द अर्थ एक्चुअली, कि किस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो। तो वो दिन में या रात में वो टाइम कभी भी हो सकता है। तो पंचांग में तो लिखा हुआ है कि ये तिथि इस टाइम खत्म हो रही है, बट मैंने कहा कि जो सनराइज के टाइम तिथि होती है उसको हम पंचांग में या कैलेंडर में उस दिन की तिथि दिखाते हैं, बिकॉज देयर हैज टू बी सम प्रिंसिपल, अदरवाइज तो लोग कहेंगे कि कौन सी तिथि है आज। तो उसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर ए लेमैन हमने ये प्रिज्यूम कर लिया, ये मान लिया या प्रिंसिपल बना दिया कि सनराइज के टाइम जो तिथि एग्जिस्ट कर रही होगी उसको हम उस दिन की तिथि मान लेंगे। हम कहते हैं ना कि लोग पूछते हैं कि आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, आज पंचमी है या एकादशी है, तो वो सिर्फ यही है कि सनराइज के टाइम थी, बट एग्जैक्टली आपको देखना है कि कब खत्म हुई, देन यू हैव टू सी द पंचांग। जैन साहब एक क्वेश्चन हमारा है। हाँ पूछिए। राहु के लिए कहा जाता है कि राहु तो अच्छा भी कर सकता है, तो राहु से इतने डरते क्यों हैं लोग? ये मैंने कहा कि इसको जो राहु काल के प्रिंसिपल को है वी कैन नॉट जस्टिफाई इन एस्ट्रोलॉजी, बट इट इज ए कंसेप्ट देयर। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ मान्यताएं होती हैं, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है एस्ट्रोलॉजी से, बट उनकी ये मान्यता है क्योंकि राहु को जनरली लोग डरते हैं कि राहु हमेशा खराब ही करता है। वो तो अच्छा तो जब करेगा जब आपकी हॉरोस्कोप में प्लेसमेंट अच्छा हो उसका, बट नॉर्मल थिंग इज कि राहु इज ए मैलिफिक प्लैनेट, हैवी मैलिफिक प्लैनेट है राहु। जैसे शनि मैलिफिक है ऐसे राहु भी मैलिफिक प्लैनेट है। तो उनके यहाँ एक मान्यता बन गई, पता नहीं कब से मान्यता बनी होगी, बट दिस इज नॉट जस्टिफाइड बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली, बट दे आर वेरी पर्टिकुलर। जैसे हम लोग कुछ, हमारे भी कुछ मान्यताएं होती हैं कि हम बहुत पर्टिकुलर होते हैं उसके लिए, तो ऐसे ही साउथ इंडिया में एक मान्यता है कि ये पीरियड है, राहु गवर्न कर रहा है, तो ये शायद अच्छा नहीं है हमारे लिए, बट हम लोग तो रोज ही करते हैं उसी टाइम में, हमारे लिए तो खराब नहीं होता वो। तो कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन नहीं है, अपने अपने जो एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ एक मान्यताएं बन जाती हैं, तो दिस इज बेस्ड ऑन दैट। नहीं, वहाँ कैलेंडर भी होता है जिसमें राहु काल, यम का टाइम और अच्छा टाइम, तीनों टाइम देते हैं उसमें। तो वो हम पैदा हुए तब से देखा है, लेकिन राहु का ऐसे आप समझ में आया है। हाँ, तो शी इज फ्रॉम साउथ इंडिया, शी नोज वेल एक्चुअली कि कैसे उसको माना जाता है। जैसे हम सालों से ही लिख कर रखा हुआ राहु काल मंडे इतने बजे, ट्यूसडे इतने बजे, दैट मींस वो गलत भी हो सकता है। गलत भी होगा वो, तो कभी भी 6 बजे से 6 बजे तक का दिनमान नहीं होता है, नाइदर सन राइजेज एट 6 नॉट सेट्स एट 6, हर दिन अलग अलग ही होगा। तो आपको एग्जैक्टली कैलकुलेशन, दिस व्हाट आई एम सेइंग कि एक लेमैन जो है वो तो 1.5 घंटे का समय मानता है, एंड ही गोज ओनली ऑन दिस बेसिस कि मंडे को 7:30 से 9 खत्म हो गया। मैं भी सालों से यही मान रही हूँ। हाँ, गलत है, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। जैन साहब जो विदेश में हैं उनका टाइम तो गड़बड़ा जाता है सब कुछ। नहीं, उनका भी अगर साउथ इंडिया में तो वो सनराइज से सनसेट का टाइम मानते हैं उस, वहां भी जो सनराइज का टाइम। लीजिए कोई आदमी यूएसए में है तो कैसे वो उसका वो राहु काल अपना सनराइज देखिए ना, वो अपने सिस्टम तो यही रहेगा, वहाँ का सनराइज टाइम क्या है, वहाँ का सनसेट टाइम क्या है, मंडे को पहला 1/8 पोर्शन होगा, तो उसके हिसाब से करेगा। जैन साहब, सन और मून के बीच का डिग्री देख के हाउ कैन यू फाइंड आउट सन इज वैक्सिंग और वेनिंग? वेरी गुड। कि देखिए आप, सिंपल है कि हम तिथि भी निकाल सकते हैं, सन और मून का जो डिफरेंस देखकर वी कैन इवन फाइंड आउट द तिथि आल्सो, कि कौन सी तिथि है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि व्हाट वी डू कि वी सब्ट्रैक्ट द लॉन्गिट्यूड ऑफ सन फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ मून। मून के लॉन्गिट्यूड में से सन के लॉन्गिट्यूड को माइनस करिए, मून के लॉन्गिट्यूड में से सन के लॉन्गिट्यूड को माइनस करना है, राइट। ओनली ध्यान रखिए कि मून के लॉन्गिट्यूड से ही सन के लॉन्गिट्यूड को माइनस करना है। अगर बाय चांस मून का लॉन्गिट्यूड कम है देन द सन एक्चुअली, तो व्हाट वी डू वी ऐड 360 डिग्री इन द लॉन्गिट्यूड ऑफ मून, ठीक है. तो बट ये चीज हमेशा है कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द लॉन्गिट्यूड ऑफ सन फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ मून. मून के लॉन्गिट्यूड में से ही सन के लॉन्गिट्यूड को माइनस करना है. अगर माइनस नहीं हो सकता, मून का लॉन्गिट्यूड कम है, तो हम मून के लॉन्गिट्यूड में 360 डिग्री ऐड करके माइनस करते हैं, बट उल्टा नहीं करते. वी आर नॉट फाइंडिंग आउट द डिफरेंस, वी आर फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द मून्स लॉन्गिट्यूड एंड द सन्स लॉन्गिट्यूड. और अगर ये लेस देन 180 डिग्री आता है, अगर ये लेस देन 180 डिग्री आता है, इट इज शुक्ल पक्ष. और अगर more than 180 डिग्री आता है, then it is कृष्ण पक्ष. तो we can find out the पक्ष की कौन से पक्ष में आपका बर्थ हुआ है. अगर डेट भी निकालनी है तो ये जो मून और सन के लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आया, इसको आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन +1 will be the date, तिथि होगी जब आपका बर्थ हुआ है. तो इस तरह से हम जो पक्ष भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ मून एंड द सन. वी कैन इवन कैलकुलेट द तिथि आल्सो from the longitude of moon and the sun. और जैसा मैंने कहा था कि हमारे अंदर एक गलत धारणा बनी हुई है कि कृष्ण पक्ष खराब है और शुक्ल पक्ष अच्छा है. ये अभी भी लोग मानते हैं, अभी भी लोग विश्वास इसी पे करते हैं. आप कितना भी समझा लीजिए, कोई नहीं मानता. बट जैसा मैंने कहा कि जो मून है वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक शुभ माना गया उसको. इसका मतलब आधा कृष्ण पक्ष अच्छा है, आधा शुक्ल पक्ष अच्छा है. आधा कृष्ण पक्ष खराब है, आधा शुक्ल पक्ष भी खराब है. बट एक जैसे राहु काल की मान्यता है, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है कि भैया कृष्ण पक्ष है तो अंधेरा चल रहा है तो शायद वो सारा खराब है, शुक्ल पक्ष है तो बहुत अच्छा समय है तो हम शायद कुछ भी कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं है, और हम लोग गलतियां करते चले जा रहे हैं, कोई मानता भी नहीं है. मैंने तो बहुत लोगों को समझाया, बट दे गो टू दैट एस्ट्रोलॉजर, पंडित के पास ही जाते हैं, और वो तो उसके दिमाग में तो यही घुसा हुआ है कि शुक्ल पक्ष खराब है, कृष्ण पक्ष अच्छा है. जैसा भी राहु काल में जो आपने बताया, ये जो डेज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसमें वो पर्टिकुलर स्लॉट ही केवल राहु काल माना जाएगा या होल डे विल बी टेकन? नहीं, ओनली दैट पर्टिकुलर स्लॉट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर, 1.5 घंटे का समय. पूरा दिन होगा तो फिर तो उस दिन काम ही नहीं होगा कुछ भी, जो है इस पर्टिकुलर स्लॉट ऑफ 1/8 ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डे. राइट, ठीक, या. बट ये देखिए कि हम कितना एडजस्टमेंट करते हैं इस कैलेंडर में, उसके बाद भी हम उसी नक्षत्र पर आ जाते हैं. साहब, आप राहुल काल में काम करते हैं क्या? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन. नहीं, मैंने कहा कि हम लोग नहीं मानते हैं इसको नॉर्थ इंडिया में, बट इन साउथ इंडिया दे वेरी पर्टिकुलर. हम लोग नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं मानता इसको. बट राहु का डर बहुत बैठा दिया गया है, जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी, बड़ा डर बैठा कर राहु केतु का. वो तो डर ही बैठाना ना उनको तो, और जब भी तो आपसे पैसा लेंगे नहीं तो कैसे करेंगे. राहु हमेशा खराब नहीं होता. जैसे मैंने कहा था कि राहु ने अमृत पिया हुआ है. राहु इज लाइक ए गॉड, राहु इज लाइक जुपिटर. जो जुपिटर दे सकता है वो राहु भी दे सकता है आपको. बट नॉर्मली क्योंकि ये मेलेफिक प्लैनेट है, और अगर आपके हॉरोस्कोप में इसकी पोजिशन ठीक नहीं है तो नेचुरली कष्ट भी ज्यादा देता है. तो इसलिए इससे डरते हैं लोग और डरा दिया जाता है. बट आप एक्सपीरियंस करिए कि इन मैनी हॉरोस्कोप राहु दशा इज वंडरफुल. इन राहु दशा यू गेट एवरीथिंग एक्चुअली. तो ये डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में उस प्लैनेट की क्या पोजीशन है. और जहां तक मेलेफिक का सवाल है, जैसे मान लीजिए शनि है, एक तरह का शनि इज वेल प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप. तो शनि का बेसिक नेचर है कि प्रॉब्लम क्रिएट करने का, हर्डल क्रिएट करने का, वो तो करेगा ही. बट शनि आल्सो गिव यू द स्टेटस, तो स्टेटस भी देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको देगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी चलती रहेंगी एक्चुअली. और जुपिटर है, वो शुभ प्लैनेट है, तो उसमें जब जुपिटर का पीरियड आता है, जुपिटर इज वेल प्लेस, तो आपको कुछ पता भी नहीं लगता. आप बहुत खुश होते हैं कि पता नहीं मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मैंने इतना इतना कर लिया लाइफ में. और आपने देखा भी होगा कि जब जुपिटर की दशा खत्म होती है, देन जब आप आगे हम नेक्स्ट टाइम में विंशोत्तरी दशा पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट comes the dasha of Saturn. Immediately after completion of Jupiter dasha, one has to face the Saturn dasha. उसका रीजन है कि जुपिटर दशा में हमने बहुत अच्छा अच्छा देखा है. हर आदमी कहता है कि वो he goes to the top position. he enjoys the life की असली प्रॉस्पेरिटी आती है जो बेटा ठीक ठाक है प्लेस्ड उसका जो है। तो हर आदमी के मन में एक अहम हो जाता है, एक मन में घुस जाता है, ईगो आ जाती है कि शायद मैं इतना कैपेबल हूँ जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, जितना मुझे पैसा मिला, पोजीशन मिला, बिकॉज ऑफ माई इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ माई कैपेबिलिटी। तो जो माई माई आ जाता है, आई घुस जाता है उसके अंदर, तो देन द गॉड सेज कि नाउ यू सी द रियलिटी। शनि की दशा शुरू हो जाती है और शनि की दशा में कहा जाता है कि जब शनि की दशा शुरू होती है या शनि का जो पीरियड होता है, वो शनि कैसा भी प्लेस्ड हो आपके हॉरोस्कोप में, वेदर इट्स गुड और बैड, बट शनि की दशा हमेशा बहुत परेशान करती है आपको। ये भगवान कहता है कि आप धरती पर आ जाइए, नाउ यू सी द रियलिटी, कि जो आप समझ रहे थे वैसे नहीं है। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल आते हैं मेरे पास कि जैसा भी क्या हो गया, हम तो इतना अच्छा कर रहे थे, एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, वी वर सो कंफर्टेबल इन द ऑफिस, एंड सडनली क्या हो गया कि हर आदमी मेरे अगेंस्ट जा रहा है वो, क्योंकि वो शनि की दशा शुरू हो गई। तो भगवान ने कहा देखो अब रियलिटी, आई विल शो यू द रियलिटी। तो ये एक लाइफ साइकिल ही है एक तरह से जो है, जब आप अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल कर लेते हैं उस समय और शनि के नेचर को आप समझ जाते हैं, then you are able to face that time, otherwise it becomes very, very difficult time for you. Then sir, Rahu well placed कैसे होता है किसी भी हॉरोस्कोप में? देखिए राहु और केतु मैंने कहा ये प्लैनेट नहीं है, तो इनके अपने रिजल्ट नहीं होते। जिस साइन में बैठते हैं उसका लॉर्ड या जिन प्लैनेट के साथ बैठते हैं उनके रिजल्ट देते हैं एक्चुअली में। तो ये डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप में किस साइन में बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड क्या है, किन प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। तो रिजल्ट्स विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज प्लैनेट्स, नॉट विद राहु एंड केतु। राहु केतु के अपने रिजल्ट कुछ नहीं होते। यदि राहु एकदम अकेला बैठा हुआ है, कोई नहीं है उसके साथ में, किस साइन में है, उसका लॉर्ड क्या है, अच्छा उसका लॉर्ड क्या है। देखिए हमें तीन चीजें देखनी है कि पहला तो अगर जैसे आपने कहा कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, दैट्स वंडरफुल, एक्चुअली वी सी द लॉर्ड। एक्चुअली मान लीजिए कि उसके साथ प्लैनेट भी बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लैनेट को भी देखेंगे और उसके लॉर्ड को भी देखेंगे, और इन सब में जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इसलिए राहु केतु के रिजल्ट अपने नहीं, अगर अपने रिजल्ट होते तो राहु हमेशा खराब ही रिजल्ट देता। बट आप देखिए, अपना एक्सपीरियंस करिए कि राहु की दशा में लोगों को सब कुछ मिला भी है और राहु की दशा में परेशान भी हुए हैं लोग, दोनों तरह के हैं। जैन साहब ये उस साइन में कोई राहु बैठा हुआ है और कोई नहीं है और उसका लॉर्ड जो है जुपिटर है, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। जुपिटर की क्या प्लेसमेंट है आपके हॉरोस्कोप में, जुपिटर वेल प्लेस्ड है, अच्छी प्लेसमेंट है उसकी, हाँ, तो राहु के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। ओके या और ये भी कहा जाता है कि राहु जब 6th हाउस में होता है और केतु अगर 12th हाउस में है, राहु अगर 6th हाउस में होगा तो केतु जो है नेचुरली 12th हाउस में ही होगा। वो इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट पोजीशन ऑफ राहु कि 6th हाउस में बैठकर राहु आपके जितने भी जो नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं उस हाउस के, आपकी बीमारियां हैं, दुश्मन हैं, उन सबको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। आप किसी का भी राहु देखिए जिसका कि 6th हाउस में प्लेस्ड है राहु, एंड यू विल फाइंड कि उस आदमी से कोई पंगेबाजी कर ही नहीं सकता। अगर वो किसी करेगा भी कोई आदमी तो उसी का नाश होगा, उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। It is such a wonderful position of Rahu in the 6th house कि सारे जो 6th house के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर देता है। और 12th हाउस मोक्ष का स्थान है, केतु एक मोक्ष कारक प्लैनेट है, तो इट टेक्स यू ऑन ए वेरी हाई लेवल ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन आल्सो। आप स्पिरिचुअलिज्म में बहुत प्रोग्रेस करते हैं। तो दिस इज वंडरफुल पोजीशन ऑफ राहु एंड केतु। एंड आई हैव सीन कि जो केतु प्लैनेट है, राहु तो हमने कह दिया कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन केतु एक ऐसा प्लैनेट है कि वो नॉर्मली अच्छा नहीं करता। वो तो एक यूजलेस प्लैनेट कहें या प्लैनेट कंसर्न ओनली विद द स्पिरिचुअलिटी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो नॉर्मली जो मटेरियल गेन होते हैं केतु के पीरियड में वो कम मिलते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलते। बट राहु के केस में यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, इट कैन गिव यू एनीथिंग एक्चुअली। जैसे जुपिटर दे सकता है ऐसे राहु भी दे सकता है। आपने बताया कि 27 से होती है राशियाँ, 27 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र, हाँ, और 12 हम लोग काउंट करते हैं। तो बाकी नक्षत्रों का क्या रोल रहता है फिर? नहीं, महीनों के लिए हमने महीनों के नाम मैंने कहा कि क्यों रखे हैं उन नक्षत्रों के ऊपर, क्योंकि जब महीने की शुरुआत होती है ल्यूनर मंथ की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत के टाइम वो ही नक्षत्र होता है या चंद्रमा उसी नक्षत्र में होता है जिसके ऊपर उस महीने का नाम बेस्ड है। तो ये 12 नक्षत्र एप्लीकेबल है कि अब जब वैशाख महीना है तो जब शुरू होगा तो यू विल फाइंड दैट मून इज ऑलवेज इन द विशाखा नक्षत्र ओनली। तो इसलिए हमने जो है 27 में से 12 नक्षत्र चूज किए और देखा कि उस टाइम कौन सा नक्षत्र होगा जब महीने की शुरुआत होगी। तो ये एक बहुत ही एक आनंद है, वंडरफुल थिंग एक्चुअली, महीना शुरू हो रहा है तो वही नक्षत्र आएगा इसके ऊपर उसका नाम है। सो सिंप्लीफाइड। थैंक यू। जुपिटर 6 घर में होगा तब क्या हो जाएगा? हाँ जी, जुपिटर इन 6th हाउस। जुपिटर इन 6th हाउस इज अ वंडरफुल पोजीशन, इससे अच्छी पोजीशन नहीं हो सकती आपकी जो है। आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि जुपिटर 6ठे घर में है। 6ठे घर सबसे पहले उपाचय स्थान है। ये जैसे मैंने कहा था कि उपाचय स्थान है। उपाचय स्थान मीन्स द हाउस ऑफ ग्रोथ। जितने भी उपाचय स्थान होते हैं उसमें कोई भी प्लैनेट बैठकर रिजल्ट खराब नहीं देता। तो जुपिटर मान लीजिए आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है तो वन थिंग इज डेफिनेट कि 6th हाउस इज नॉट बैड एज फार एज द पोजीशन ऑफ जुपिटर इज कंसर्न। नाउ यू सी कि जुपिटर किन-किन हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। वहां से किन-किन हाउस को एस्पेक्ट करेगा बताइए? जुपिटर 6ठे घर में बैठकर किन-किन हाउसेस को एस्पेक्ट करेगा? काउंट करिए 5, 7, 9। तो कौन कौन से हाउसेस आएंगे? 10th, 12th and 2nd। वंडरफुल। 10th हाउस हमारा किसका है? प्रोफेशन का। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन। 12th हाउस किसका है? मोक्ष का स्थान है, स्पिरिचुअलिटी का स्थान है। 2nd हाउस किसका है? धन का स्थान है, आपकी वेल्थ का स्थान है। और मैंने कहा कि जुपिटर जिस जिस हाउस को एस्पेक्ट करता है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। अब आपका प्रोफेशन प्रोटेक्ट हो गया, आप जो आध्यात्मिक तौर पर आप बहुत अच्छे इंसान हो गए, आपके पास बहुत ज्यादा धन भी हो गया। तो लाइफ में क्या चाहिए? इससे अच्छी क्या कॉम्बिनेशन मिल सकता है कि पैसा भी है, धर्म भी कर रहे हैं आप, प्रोफेशन भी आपका अच्छा है। इससे अच्छी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है लाइफ में? दे कैन नॉट बी बेटर कॉम्बिनेशन देन दिस कि आपको पैसा भी मिल रहा है और आपको धर्म भी है, आपका प्रोफेशन भी है, सब कुछ है। और 6ठा घर भी अच्छा हो गया। 6ठा घर तो ठीक है, ये उपाचय स्थान है, बट वेयर इज द प्रॉब्लम? अब नाउ यू सी द नेगेटिव एस्पेक्ट आल्सो कि ये तो हो गया कि सब कुछ मिलेगा आपको, आपको लाइफ में किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक प्रोफेशन का सवाल है, आपको धर्म ध्यान का सवाल है, पैसे का सवाल है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बहुत से लोग आपने देखे हैं कि लेट से कि उनको इनहेरिटेंस में दे गॉट सम ब्यूटीफुल 2-3 हाउसेज इन साउथ दिल्ली। ऐसे हैं बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं उनको जो है कि बहुत सारे हैं ऐसे कि उनको इनहेरिटेंस में जो है ये सब मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, और उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया कभी भी। एंड दे आर एंजॉइंग द लाइफ लाइक एनीथिंग, ऑल कंफर्ट, पैसा बहुत है, धर्म ध्यान भी कर रहे हैं, सब कुछ, उनका नाम भी बहुत है। बट उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की हमें भगवान ने 2 मकान दिए थे तो हम उसको 3 कर लें या 4 कर लें। ये कहा जाता है कि जो उपाचय स्थान होते हैं उसमें मेलिफिक प्लैनेट इज बेटर देन द बेनिफिक प्लैनेट। ये कहा गया कि जो उपाचय स्थान में अगर मेलिफिक प्लैनेट होता है वो अच्छा माना गया एज कंपेयर टू बेनिफिक प्लैनेट, क्योंकि उपाचय स्थान में बेनिफिक प्लैनेट बैठकर आपके इनिशिएटिव को पूरा खत्म कर देता है। जो आपके अंदर जो आगे बढ़ने की एक जज्बा होना चाहिए वो नहीं रहता, जबकि मेलिफिक प्लैनेट वो उस जज्बे को बरकरार रखता है। तो मैंने कहा कि जुपिटर तो बहुत अच्छा है, यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन द लाइफ विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग, और आपने कभी कोशिश भी नहीं की कि आज मेरे 2 मकान है तो मैं क्यों नहीं उसको 3-4 कर लेता हूँ। वही अगर मंगल बैठता वहां पर और अगर उसके साथ ये पोजीशन होती तो वो 2 मकान पर नहीं रहता, वो तो फिर धीरे धीरे 3, 4, 5, 6 ऐसे करता वो। तो जुपिटर या बेनिफिक प्लैनेट उपाचय स्थान में बैठकर दे गिव यू द कंप्लीट सेटिस्फैक्शन कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, दिया सब कुछ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और दिया भी बहुत अच्छी तरीके से है, लेकिन जो भी दिया है वो दे आर सेटिस्फाइड विद दैट। जबकि मेलिफिक प्लैनेट वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसमें आगे बढ़ेगा, उससे जो है लेकिन जुपिटर वाला मिलता तो सब कुछ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, भगवान ने सब कुछ देता है उसको, और इससे अच्छा कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है कि जुपिटर आपका छठे घर में है। प्रोफेशनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तो चाहिए, आप और काय के लिए काम करते हो, इससे अच्छे क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो दैट इज ए ब्यूटीफुल पोजीशन एक्चुअली। पर अगर मंगल 6th हाउस में बैठरत है तो हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स का हाउस है ये। हां जी सर, ये 6th हाउस जो है वो हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स का हाउस है। बिल्कुल, उसमें मंगल बैठते हैं तो हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स तो बढ़ जाएंगे ना? नहीं बढ़ेंगे नहीं, देखिए 6th हाउस जो है उपाच्य स्थान भी, जैसे मैंने कहा एक्चुअली में, तो उपाच्य स्थान स्ट्राइव करेगा वो बंदा, नहीं कोई प्लैनेट खराब नहीं होता, और मंगल जो है कारक भी है उस घर का, तो उसके अंदर शक्ति देगा उनको प्रॉब्लम्स को फेस करने की। ही विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन ओवरकमिंग दोज हर्डल्स एक्चुअली। एक आदमी तो परेशान होगा बट वो इजिली क्रॉस कर लेगा ऑल हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स। और उसी के साथ अगर वीनस भी बैठ जाए तो अच्छा है मार्स के साथ 6th हाउस में। हाँ तो वीनस भी अच्छा है 6th हाउस में। देखिए वीनस छठे घर में बैठता है तो वो 12th हाउस को देखता है, 7वीं दृष्टि से 12th हाउस को देखता है, और 12th हाउस में शनि बैठ जाए। 12th हाउस हमारा भोग का स्थान है, भोग मीन्स की ऑल लग्जरीज इन द लाइफ, तो 12th हाउस में वीनस देखकर हमको इट गिव्स यू ऑल टाइप ऑफ मेटेरियल कंफर्ट्स, और मेटेरियल कंफर्ट देगा तो नेचुरली कोई फ्री में तो मिलता नहीं है, यू नीड द मनी फॉर दैट, तो मनी भी देगा आपको जो है, तो दैट इज अगेन ए गुड पोजीशन ऑफ वीनस इन द 6th हाउस। उपाच्य स्थान में देखिए कोई प्लैनेट खराब नहीं होता, पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। प्रॉब्लम जब आती है कि वहां 2-3 प्लैनेट मैलिफिक बैठ जाते हैं, जब खराब हो जाता होगा। केतु भी बैठ जाए, मंगल भी बैठ जाए, हाँ दो अगर बैठ गए फिर तो वो सत्यानाश कर देगा उसका पूरा। एक क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल पूछिए मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो हॉरोस्कोप हम कंप्यूटर जनरेट करते हैं जी, हमारे बर्थ टाइप की सब चीजें बताता है। इसी तरह से अगर आज की तारीख में हम अपने सभी चीजों को देखना चाहें तो कंप्यूटराइज जनरेटेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, जिनको शायद एनालाइज करके नहीं आ सकते, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव टू सी एक्चुअली, और वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप कंप्यूटर में फीड कर दें सारी चीजें। इवन एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो मांगलिक दोष होता है, जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, वो कंप्यूटर में हमेशा गलत बताएगा। इट्स सच ए सिंपल थिंग बट इट कैन नेवर टेल यू द ट्रूथ, बिकॉज कि हमें जो मंगल को किस किस हाउस से देखना है, किस किस प्लैनेट से देखना है, तो वो नहीं हो पाता। और जो मैंने देखा है कि जो कंप्यूटर के प्रेडिक्शन होते हैं तो स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें जो एग्जैक्ट आप कहीं भी नहीं बता सकते। जनरलाइज तो ठीक है, थोड़ा बहुत कर दिया कि एक पर्टिकुलर जो मेन प्लैनेट हैं उनके क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे, बट यू कैन कांट बी स्पेसिफिक। मुझे तो लगता है आज की तारीख में जैसे विंशोत्तरी दशक के बाद तमाम नीचे फॉर्मेशन तक डेली बेसिस तक जाता है, तो हमें अगर आज क्या अपना पता लगाना है तो हम और कैसे पता लगाएंगे? ऐसे ही तो पता लगाएंगे कि हम देखिए 3 चीजें होती हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक तो प्लैनेटरी पोजीशन, आपके हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट कहाँ पर प्लेस्ड है, एंड दैट इज परमानेंट, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, वो तो वही रहेगा जब से आप पैदा हो गए, तो दैट इज अ परमानेंट थिंग विद यू। सेकंड इज कि कौन सी दशा चल रही है इस समय, कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सी विंशोत्तरी दशा चल रही है, एक वो हो गया। थर्ड इज द ट्रांजिट, कि आज की डेट में जो प्लैनेट का गोचर हो रहा है या ट्रांजिट हो रहा है वो उसके हिसाब से आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से कैसा है। तो वी गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द थ्री, वन थर्ड एक्चुअली, और इन तीनों को कंबाइंड करके देन वी इन्फर कि क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि विंशोत्तरी दशा और सब पीरियड पर गए हम, फिर सब पीरियड पे गए तो वी कुड पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर मंथ एक्चुअली कि इस मंथ में काम होने वाला है। फिर हमने ट्रांजिट देखा, गोचर देखा, देन वी पिन पॉइंट द एग्जैक्ट टाइम कि ये इवेंट कब होगी। तो एस्ट्रोलॉजी तो कर सकती है कि इट कैन टेल यू द डेट आल्सो कि इस डेट में ये इवेंट होगा, ये तीनों की मदद से, बट वी टेक द हेल्प ऑफ ऑल द थ्री। थैंक यू। जैन साहब जब ये जनरेट करा हमने ऐसे कंप्यूटर से तो उसमें लग्न चार्ट जो आया, क्या वही उसी के बेसिस पे हम आज क्या हमारे साथ होगा या भविष्य में क्या घटित होगा वो भी हम ही निकालते हैं। We use the divisional chart also, जो आपने देखा होगा कि नवांश एक बना होता है साथ में, तो that is one of the divisional chart, but जो total divisional chart जो हम यूज करते हैं वो 16 होते हैं। हर लाइफ के एस्पेक्ट के लिए अलग अलग एक डिविजनल चार्ट होता है। जैसे हमें मान लीजिए कि मैरिज का देखना है, मैरिज के लिए अलग डिविजनल चार्ट है नवांश। प्रोफेशन का देखना है, उसके लिए अलग डिविजनल चार्ट है। बच्चों का सुख देखना है, उसके लिए अलग डिविजनल चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। छोटे भाई बहनों का सुख देखना है, उसके लिए अलग करेंगे। एजुकेशन का देखना है, उसके लिए अलग करेंगे। तो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू एग्जामिन द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ सेपरेटली, माइन्यूटली, इन डिटेल। जब हम डिटेल में, अब जैसे मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेट अस से कि प्रोजेनी एंड हैप्पीनेस, संतान सुख की हम बात करें, तो लग्न चार्ट से आपको ये पता लग जाएगा पांचवा घर देख के या उसका कारक देख के संतान सुख है, दैट्स ऑल। वो एक आइडिया लगा आपको, बट ये भी जरूरी नहीं है कि जो लग्न चार्ट से आइडिया लगा आपको वो सही होगा। तो उसको हम कंफर्म करते हैं विद द रेलेवेंट डिविजनल चार्ट। तो उससे हमने डिविजनल चार्ट से देखा, पहली चीज तो मुझे पता लगा कि जो इंडिकेशन है लग्न चार्ट में वो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और मेनी टाइम इट हैपेंस कि लग्न चार्ट गिव्स यू वेरी गुड इंडिकेशंस, लेकिन जब आप उसको मिलते नहीं है आपको लाइफ में, बिकॉज द डिविजनल चार्ट डज नॉट इंडिकेट दैट हैप्पीनेस फ्रॉम दैट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो हम डिविजनल चार्ट को किया, तो उससे हमें पता लगा कि हाँ बच्चों का सुख है वो सही है। Then there lot of details about the progeny. जैसे आजकल लोग पूछते हैं कि लड़के का सुख है या नहीं है। I don't know why they ask, but they ask actually, and everybody will ask you कि लड़के का सुख है या नहीं है। वो आप लग्न चार्ट से नहीं बता सकते। संतान कब होगी ये भी आप लग्न चार्ट से नहीं बता सकते। और एट ए पर्टिकुलर टाइम क्या सेक्स होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, वो भी लगन चार्ट से नहीं बता सकते। वी टेक द हेल्प ऑफ डिविजनल चार्ट, उससे हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि संतान कब होगी और एक पर्टिकुलर टाइम में मेल होगा या फीमेल होगा। फिर और भी चीजें हैं कि एडॉप्शन तो नहीं होना, कोई बीमारी तो नहीं है किसी मेल या फीमेल के जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि हमें कुछ ट्रीटमेंट कराना पड़े, या ट्विंस का बर्थ है कि ट्विंस कब होंगे, या ऐसी कोई पोजीशन है कि वी हैव टू गो टू सरोगेसी आल्सो और सम अदर आर्टिफिशियल मींस, वो भी इंडिकेट कर देगा। तो और कई बार आजकल ऐसा भी होता है कि एवरीथिंग इज ओके बट आइदर द मेल और द फीमेल दे डोंट वांट द चाइल्ड, उनकी इच्छा ही नहीं होती बच्चे पैदा करने की, तो वो भी इंडिकेशन हमें मिल जाता है। या चाइल्ड अगर है तो लेजिटिमेट है या इललेजिटिमेट है, वो भी हमें उससे पता लग जाता है। तो ये जो सारी डिटेल है एक पर्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में, इनको हम लगन चार्ट से नहीं पता लगा सकते। लगन चार्ट तो एक जनरल इंडिकेशन देता है कि हाँ ये लग रहा है कि सुख है, तो उसको हम डिविजनल चार्ट से वेरीफाई भी करते हैं और उसके सारे डिटेल, ईच एंड एवरी डिटेल वी ट्राई टू फाइंड आउट विद द डिविजनल चार्ट। तो डिविजनल चार्ट का जो स्टडी है दैट इज वी डू इन डिटेल, तो उससे एक एक लाइफ के एस्पेक्ट को हम एग्जामिन कर सकते हैं। डिविजनल चार्ट को हमेशा हमें रेफर करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। और नवांश आपके लिए बना होता है साथ में। नवांश इज सच एन इम्पोर्टेंट डिविजनल चार्ट कि दैट इज ऑलवेज मेड अलोंग विद द लग्न चार्ट। ये लग्न चार्ट में कुछ हाउसेस जो हैं वो खाली रहते हैं, उसमें कोई भी मैंने कहा कि जहां तक हाउस का सवाल है, एक तो उसके अंदर प्लैनेट कौन कौन से हैं पहली चीज, दूसरा कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट द प्लैनेट, the position of planet या the planet influencing a particular house. Then अगर कोई planet ना देख रहा है ना aspect कर रहा है, then otherwise also we have to see the lord of that house कि उस house में जो sign है उसका lord क्या है। Second चीज हो गई। Third है कि उस house का कारक क्या है, उस house का significator क्या है, उसकी क्या position है। तो किसी भी house को जब हम assess करते हैं so we consider all these three into account, that is one is the position of planet, second is the planet aspecting that house, next is the lord of that house and other is the karaka for that house. So these सारी चीजों को consider करने के बाद we have a real assessment about the position of that house. तो ये जो हमने इसमें वर्कआउट किया कंप्यूटर से, तो उसमें ये तीन प्लैनेट्स और दिखा रहा है, यूरेनस, प्लूटो एंड नेपच्यून। यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को हम लोग अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर नहीं करते हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए, वो वी विल नॉट यूज देम एक्चुअली। और कुछ हाउस में, किसी एक हाउस में चार प्लैनेट्स क्लब्ड हैं प्लस, हाँ प्लस का भी हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कि ये क्या है प्लस जो है, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। एंड एक इसमें एक और वर्ड यूज किया गया है अस्त, कॉम्बस्ट। हाँ कॉम्बस्ट तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी प्लैनेट जब सन के बहुत नजदीक होता है जी, सन में और उस प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड में जब डिफरेंस बहुत कम होता है, लेस देन 5 डिग्री, वी से दैट द प्लैनेट इज कम्बस्ट। और कम्बस्ट होने का मतलब ये होता है कि द प्लैनेट लूजेज इट्स स्ट्रेंथ, वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो खत्म हो जाती है उसकी। इसमें हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है SEXT, SEXT, HD and HT, नहीं, S for success, E for enemy, X for X-mystery और T for T। वो sextile वगैरह, वो aspect वगैरह कुछ होगा किसी मतलब जो software में ना they give you the aspect also, तो sextile वगैरह aspect आते हैं वो। Sextile, CONJ's conjunction, S। तो इसमें in Western system we use those aspect, but हम Indian system में use नहीं करते हैं उसको। तो इंडियन सिस्टम, हम वेस्टर्न सिस्टम के या वैदिक सिस्टम, कोई भी सिस्टम में प्लूटो तो बर्स्ट हो चुका है, प्लूटो ड्वार्फ हो चुका है, तो प्लूटो का इफेक्ट तो वैसे भी हॉरोस्कोप पे अब नहीं होना चाहिए। हाँ वो तो मानते ही नहीं है ना, प्लैनेट उसको डॉट प्लैनेट मान लिया तो इसका इफेक्ट तो वैसे ही कम हो गया। ये तो इन्होंने सिस्टम शुरू किया वेस्टर्न है, ये यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का, बट प्लूटो तो खत्म हो गया, बट यूरेनस नेपच्यून तो है अभी भी। इनके असर इतने डिस्टेंट हैं सन से। नहीं, प्रॉब्लम इज कि दे वेरी वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, उनके जो इफेक्ट होते हैं ना वो 20-25 साल में कुछ दिखाई पड़ते हैं, तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको कंसीडर करते ही नहीं है, करते नहीं। या तो इनका मतलब पता चल सकता है, सेक्सटाइल और स्क्वायर, SSQ। हाँ वो तो स्क्वायर है, सेक्सटाइल है, ये जो एस्पेक्ट है वो तो यू कैन फाइंड आउट इन एनी बुक एक्चुअली। इतने डिग्री पर होता है, तो डिग्री से कंसर्न होते हैं वो। अच्छा, तो अपन वैदिक में नहीं पढ़ते। नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? तो I hope there is no other question. So thank you so much and ये हम लोगों ने बेसिक चीज कर दी है, तो अब हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे और दशा वगैरह है या भाव चलित है, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे टेस्ट कब लेंगे? टेस्ट तो मैंने दिया था and I'm happy that most of you have come up with the solution also and you are doing all very well except few, but काफी लोगों ने दिखाया मुझे, तो I think अच्छा चल रहा है, काफी लोग समझ रहे हैं उसको। जैसा वो जो फिर जो वर्कआउट एक्सरसाइज दी थी आपने, तो वो क्या आपको कैसे दिखाना है? मैं क्या तो मैंने कहा था कि यू कैन टेक सम टाइम ऑफ 15 मिनट्स फ्रॉम यू एंड वी कैन कम ऑन द जूम एंड वी कैन डिस्कस एक्चुअली। आई सी या तो काफी लोग, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं कि मतलब दिखाया काफी लोगों ने जो है, एंड एवरीबॉडी इज डूइंग वेल एक्चुअली। चलिए देन, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ये लॉर्ड एंड कारक अलग अलग होते हैं? हाँ जी, जैसे हाउस का लॉर्ड और कारक दोनों अलग है। हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों चीजें अलग हैं बिल्कुल। हाउ लॉर्ड होता है कि जो उस हाउस में साइन है उसका क्या लॉर्ड है, एंड कारक इज ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लैनेट फॉर दैट हाउस। अच्छा।